कान खोल कर सुन लो अशोक, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सेठ मनसुख लाल की लड़की से ही होगी, क्योंकि तुम्हारे बचपने में ही मैं वहां तुम्हारी मंगनी कर चुका हूँ। लेकिन मैंने सुना है सेठ मनसुख लाल दीवाने हैं, उनकी लड़की भी जरूर पागल होगी। मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी पिताजी। मेरी मर्जी से होगी? अरे बेवकूफ, मेरे बाप की शादी मेरे दादा की मर्जी से हुई थी, मेरी शादी मेरे बाप की मर्जी से हुई थी, और तेरी शादी मेरी मर्जी से होगी, या हमेशा के लिए तुझे इस घर को छोड़कर चला जाना होगा। मुझे आपकी आखिरी शर्त मंजूर है। तो निकल जाओ, अभी चले जाओ मेरे मकान से, मेरे लिए तुम आज से मर गए। अच्छा पिताजी, मैं जाता हूँ, मैं अकेला दुनिया का मुकाबला करूंगा और कामयाबी के झंडे गाड़ के अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा, याद रखिएगा। नाम रोशन करूंगा। पैसे नोट खबर न तो पकार कमाल खाना द परवर दिगार कुदरत दे के ताक उनते सड़े पलासो अजमा बेजत ही शबित उस दे हिंदुस्तान लाजमा ओपा गैरा सारा हस्ता पैसे हस्ता मुखपे ओलामा दा दा अव्वल जमा पैसे राका ब्या खबरों का गुला जोए मजा इसका पैसे इसने पर कमा डेरा मेरा बानी जमूजा खाना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकदे खाए चटे वटे वाले का जान से संभालो का जो डेर जालिम दा। हाँ बाबा, कोई नहीं अचड़ो तो कोई नहीं, तुझे मतलब मका सच मिलो हसन, तुझे कितने खुशी आसा, माजी खुशी आसा, ये चिड़ो मका नाका कान उगड़ू नहीं खुन गया तुझे हसन जाता है चोरो लेकिन कहा से जाऊ चपटे नहीं माजे का अगर मुंबई मेरी लागिन जाते ले बैठो क्यों इडियट मजा घर तो हाथ जाता बैठो दे मका पेट बिचारा वही था पेट बिचारे बिचारे खाए इसमें उछाने तुझे वही चपटे नहीं बोलो ना कहते हाँ वही था और उसके बाद प्रकाश बाप से झगड़ा करके दिल्ली से आगरा, आगरे से बनारस और बनारस से सीधा बम्बई और काबुल से गुलजार साहब पिशावर पहुंचा, पिशावर से लाहौर, लाहौर से अजमेर शरीफ और वहां से पैदल ही सीधा बम्बई और गोवा से फ्रांसिस पहुंचा हैदराबाद, मैरी के इसमें ठोकरे खाता खाता कलकत्ता बना, कलकत्ते से बनारस और बनारस से विदाउट टिकट बम्बई और हम तुम्हारा कुदरत पर कुर्बान हो जाएगा। समुंदर का पानी पर्वत शिखर का निशानी हो जाएगा। इतना इंसान तेल का पूरा खा जाएगा। बाबा जो दे उसका भला जो ना दे उसका भला, जो दे उसका भला जो ना दे उसका भला, दोनों बराबर किस तरह हो जाएगा। जाओ जाओ गलत फकीर, इसके बदले छुट्टा मिलेगा बाबा। ओ कुर्बान कुर्बान, मुनाफे पर कुर्बान, एक के बदले सत्तर, लियो 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 जाओ। आप कहाँ रहते हैं? हम अपना वतन काबुल में रहते हैं भाई। तुम्हारा वतन क्या नाम? मुसीबत। ओ मुसीबत, आजकल हर गरीब इंसान इसी वतन का रहने वाला हो गया है। तुम दोनों जोड़ीदार? ऐसा बम्बई में कितने जमाना हो गया? यही कोई 6 महीने। हमको भी 6 महीना हो गया। और तुम दोनों का नौकरी नहीं हो गया? नौकरी है पर बैठने उठने का ठिकाना नहीं है, इसको वास्ते म्युनिसिपैलिटी का फ्लैट जाम किया है। ऐसा? तुम दोनों मुसाफिर खाना में क्यों नहीं रह गया? मुसाफिर खाना? खान साहब हम तो रह सकते हैं। किस वास्ते नहीं रह सकता है? तुम इंसान हो गया, कोई जानवर नहीं हो गया? वाह वाह, तुम हमारा मेहमान बन कर रह जाओ। चलो चलो चलो, चलो। अफ़ग़ाना हो गया अपना घर। दारोगा साहेब, हम दो इंसान दाखिल करने के वास्ते लाया, मगर इनका सामान किधर खान? सामान वो दोस्त के घर किस वास्ते रख दिया? चोरी हो जाएगा। कल लेकर आ जाओ इधर, कल लाएगा सामान। मगर बगैर सामान के नया पैसेंजर इधर रखने का ऑर्डर नहीं है खान। क्या क्या? इंसान को पैसेंजर बोल दिया? ख्याल काट जाओ दारोगा साहब, ये 11 साल कानपुर में हमारा दोस्ती हो गया। हम नया मुसाफिर नहीं रखेगा खान। नया मुसाफिर नहीं रख जाएगा तो इस जगह का नाम मुसाफिर खाना किस तरह हो जाएगा? वो लिखो लिखो, हम जिम्मेवार हो गया।
देखो। अच्छा नाम बोलो। तुम्हारा नाम? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश पर आ? तुम्हारा 11 साल का दोस्ती और नाम इससे पूछते हो? तुम्हारे वास्ते पूछता है, हमको क्या जरूरत है? ठीक है। वतन? वतन दिल्ली। दिल्ली? तुम्हारा दोस्ती के वक्त पे कानपुर में था ना? वो दरोगा साहब, कानपुर दिल्ली क्या फर्क, दोनों हिंदुस्तान का अंदर हो गया। अच्छा बाबा। हाँ तुम्हारा नाम? लिखो, फ्रांसिस कोटिनो अल्बर्टो डी कोस्टा रॉड्रिक। वो पता नहीं पूछ गया, नाम बोल जाओ। खाली नाम अच्छा रहे, लिखो ना। लिखो, फ्रांसिस कोटिनो अल्बर्टो डी कोस्टा रॉड्रिक। ये चिड़िया घर की चीजें कहाँ से ले आए हो खान? जवान संभाल के बात करो दरोगा जी। मगर तुम भी तो आदमी की तरह बात करो जी। आदमी की तरह तो बात करता है। झगड़ा किस वास्ते कर दिया दारोगा साहेब? ये बहुत बड़े इंसान का औलाद, इस वास्ते नाम लंबा हो गया। हाँ। आगे लेकर आ जाओ, मुंबई किस वास्ते आया? जाग मारने के वास्ते। नहीं नहीं खान साहब, हम तो लव करने के वास्ते आए। ये लव क्या थी? खान साहब मोहब्बत इश्क में बीमारी आए। बरोबर बीमारी है, बरोबर है। लिखो, मजनू का खानदान हो गया ये। लिखो दरोगा साहब, लिखो लिखो। अरे हम लिख लेंगे, तुम जाओ ना, काहे पर माथा पोड़ी करता है तुम लोग। कुर्बान कुर्बानी हो दरोगा साहब, शुक्रिया शुक्रिया। ओ मेहमान ना हो सलम रे सलम बिरादरान, कोई तकलीफ हो जाए तो बोल दो, ये घर तुम्हारा अपना घर हो गया। जरूर बोलेंगे। खान, कल दरोगा साहब ने सामान के लिए पूछा तो क्या करेंगे? सामान चोरी हो गया तो क्या दिखा सकते हैं भाई? चलो ऑटो ऑटो खाना खा कर आएगा। अरे क्या कमल का बात की ले। खान तुम खाना खा के आए, तुम जाओ। वो अपना जान का हिफाजत कर दो दाने। दफ्तर में जरा काम ज्यादा था, थक गया है, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुर्बान कुर्बान, सो जाओ सो जाओ। अच्छा अच्छा साहब, देखो नींद बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। अभी आओ फ्रांसिस, उठ, क्या नखा करता है? तुम झूठा झूठा बात कैसे किया? क्या किया? सो जाएगा, ठीक हो जाएगा, भूखा पेट मेरे को नींद आएगा क्या? अबे तो मरता क्यों है, मैंने भी तो 2 दिन से खाना नहीं खाया। तुम तो दिल्ली वाला है। तो फिर क्या हुआ? तुम लोग तो महीने भर को खुराक एक दिन के अंदर बरोबर करता है। हाँ। हम गोए वाला लोग 2 मुश्किल के अंदर टाइम पास करता है। बिरादरान, तुम किस कदर तुमने झूठ बोल गया, वो लेकिन हम सब समझ गया। समझ गया ना? कितने समझ गया। ओ बाहर वाला, 3 आदमी का खाना लाओ, पुलाव लाओ, बिरयानी, मुर्गे मुसल्लम, कोरमा, पराठे, हलवा, सब लाओ। ये सब सलाद हो गया खान? सब खत्म हो गया। ओ बाकी क्या हो गया जालिम? खाली दाल चावल। खाली दाल चावल है, वो परवरदिगार का शुक्र है, वही ले आओ, जल्दी ले आओ, फ्राई करके लाना। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैं भी वो प्रकाश। हाँ। मेरी क्या चीज? खान, मेरी इसका माशूक का नाम है। ओ, वो आशिक मिजाज परास, जाग जाओ, चाय पियो। ये लो, ओ प्रकाश, शिरकत करो, शिरकत करो। गुड़ियाल का थैंक यू। ये मेरी का मफत मजेदार चैन नहीं है रे। वो तेरी किधर रहता है? तेरी नहीं खान, मेरी इसका माशूक का नाम है। वरना धान मेरी पारान बोल सकता है, हम तुम किस बात से बोल जाएंगा? अच्छी बात। किधर रहता है तेरी? हम मेरी का घर संतापुर, उसमें पेइंग गेस्टर है। ऐसा? तो फिर इतना अच्छा नौकरी किस बात से छोड़ दिया? नौकरी नहीं खान। हाँ। ये मेरी के घर में मेहमान था, मेहमान, समझा? मेहमान? ये तुम मेजबान के घर इश्कबाजी किया, गद्दारी किया? सारी दुनिया मेरे को गोरा बोलता है, तुम पण गाली दो। अरे गाली नहीं दिया, इसे मेरी से सच्ची मोहब्बत है, ये उससे शादी करना चाहता है। पण मेरी कमा शादी नहीं करने को मांगता है। माँ, जो तुम दोनों पर आशिक हो गया? नहीं खान, मेरी की माँ इसका रिश्ता मंजूर नहीं करती है। पारान, तुम मजनू का माफूक सबूर कर जाओ, परवरदिगार तुम्हारा काम तमाम कर जाएगा। हाँ। अच्छा, हमारा नौकरी का वक्त है, हम जाते हैं। हाँ। ओ बरादरान, तुम कब जाएगा नौकरी पर? 10 बजे 10 बजे अच्छा अच्छा, फिर सलाम है। सलाम सलाम।
हम तुम्हारा कुदरत पर कुर्बान हो जाएगा। खान अच्छा आदमी है ना? अरे अगर हम पर अच्छा होता काम नहीं, इसको अब तो खराब हो गया। अरे काय को रोता है, निकाल लिस्ट। लिस्ट लो, ये लो रखो। दस नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। ये क्या है? पर न्यू फिल्म कंपनी। अरे मार गोली, वहाँ से क्या मिलने वाला है? अरे मेरे को हीरो का चांस मिलेगा? अरे छोड़ ना, वहाँ पे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं आगे क्या? बॉम्बे सो फैक्ट्री। तीन महीने का बोनस दो, हमें तीन महीने का बोनस दो, हर महीने तनख्वाह पे की लेंगे, हर महीने तनख्वाह पे की लेंगे। अरे साथी, यहाँ तो स्ट्राइक मालूम होती तो फिर तो आप लोगों को जरूर काम मिलेगा। अरे मगर इन लोगों के पेट पे लात मारना अच्छी बात नहीं है, और ये लोग काम पे लग जाएंगे तो अपने पेट को पर लात नहीं पड़ेगा। तू नहीं समझता, चलो चलो। काम के लिए मैनेजर साहब के पास जाते हैं। देखते नहीं यहाँ पहले ही पगार का झगड़ा पड़ा हुआ है। अपन कम से पगार लेंगे, वादा नहीं आए। तुम्हारा इस तरह काम करना ठीक नहीं, तुम्हारा इस वक्त काम नहीं करना ठीक नहीं है। साबुन नहीं रहेगा तो पब्लिक का कपड़ा लोग एकदम बांस मारेगा। अरे एकदम बांस मारते हैं। ऑफिस का लोग काम को ऊपर कैसा जाएगा, टुकड़ा लोग स्कूल कैसा जाएगा, बच्चा लोग बबल क्या बोलते हैं फुलबुला कैसा बनाएगा। तुम लोग टेरर है, तुम लोग साबुन नहीं बनाएगा तो यूरोप का माल इधर बिक्री होगा, अपने हिंदुस्तान को नुकसान हो जाएगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था तो मुझे भी पिटवाएगा। अरे हम समझा रुबाब से काम निकल जाएगा, अभी नहीं निकला तो हम क्या करेंगे यार। बकवास बंद कर, निकाल दे। हाँ, सुपीरियर कंपनी, थ्री टीम्स एंड लिमिटेड, ग्रैंड स्टील वर्क। ये ठीक है, यहाँ चलते। ओके तबेले में जाने दो। अरे छोड़ो, अजीब से आदमी है। ग्रैंड स्टील कंपनी। अरे वॉट इज चांस, नो चौकीदार। शायद किस्मत का फाटक खुल रहा है। अरे खुल गया है, चलो चलो। मैं कह चुका हूँ मेरा वक्त दया मत करो, मुझे परेशान मत करो, जाओ प्लीज गो। ऐसा कैसे चल लेगा, हम किधर जाएंगे? जहन्नम में जाओ। थैंक यू वेरी मच, इधर सब एड्रेस दे दो ना मेरे को। हाँ रहने दो फ्रांसिस, वो जगह गरीब आदमियों के लिए नहीं है। देखिए मैनेजर साहब, आपको चार आदमी की जरूरत है, उनमें से कम दो कुर्सियां तो हमारे हिस्से में आनी चाहिए। तो कुर्सी नहीं होगा तो टूल भी चलेगा साहब। तुम लोग ऐसे नहीं जाओगे। चौकीदार, चौकीदार हुकुम साहिबा। तुम चौकीदारी करता है जो सोता है, बाहर निकालो इन लोगों को। अच्छा साहिबा, ओ मेहरबान। वो क्या देखता है, जल्दी निकालो इन लोगों को। चलो 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 साहिबा, आज चलो। मजालिम, तुम हमको किस बात से नहीं बोल गया कि तुम्हारा नौकरी नहीं हो गया? शर्म के मारे तुमसे नहीं कहा खान। किस बात का शर्म, हमारा साहब से बहुत दोस्ताना, लेकिन तुम काम खराब कर दिया। दोस्ताना खान, अभी भी यहाँ पे चार आदमी का जरूरत है, ये देखो इश्तहार। खान तुम साहब को थोड़ा मस्का लगाएंगे ना, मस्का अपने जरूर काम बन जाएंगे। अरे मस्का ऐसा तो वल्ला हम तुम्हारे वास्ते जरूर मस्का लगाएंगे। तुम ऐसा करो, तुम जाओ मुसाफिर खाना, हम तुम्हारा नौकरी का चिट्ठी लाए। प्रॉमिस? क्या वादा? वादा हाँ वादा, तुम जाओ 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 जाओ। मस्का साहबा,
फूल तुम साहिबा, गुलाब का फूल। बंद करो जंगली आदमी। जंगली है साहिबा, हम फूल का पठान है साहिबा, दो रूपए नौ आने का मस्का गरज किया है साहिबा। हमारा दोस्त को नौकरी दे जाओ साहिबा, इस बात से मस्का लगा। कोई बचाओ, कोई हमारे क्या सोच रहे हो प्राचे? सोचने से क्या होगा? सलाम गुलियार खान। सलाम। अरे कमल है गुलियार खान। चिट्ठी लाया? ये ले लो चिट्ठी लाया। क्या हो गया रे उसको? अरे नौकरी खलास? कैसे चिट्ठी आ रही? ये दर बदर फिरने के बाद से तकदीर का हुक्मनामा हो गया। जालिमानो, किस तरह तुम एक मासूम पठान को बरगन आया, किस तरह हम तुम्हारा मशवरे पर ये क्रोध अमल किया कि नौकरी से चला गया, एक हफ्ता अमल कर जाएगा कि दुनिया से चला जाएगा। तुम दुनिया से मत जाओ खान, हम मुसाफिर खाने से चले जाते हैं, क्या करें, हमारे तो नसीब ही खराब है। चलो फ्रांसिस चले। चलो अच्छा गुड़िया खान, मेरे को माफ कर जाओ। गुड बाय। गुड बाय क्या थी? गाली दिया? गाली नहीं खान, सलाम किया। ठीक है, अब तुम यहाँ किस वास्ते रह जाएगा? हमारा बर्बादी का वक्त आ गया कि तुम सलाम कर दिया। गुलियार खान, हम पहले ही तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचा चुके हैं, अब हमारे यहाँ रहने से तुम्हारी परेशानी और भी बढ़ जाएगी। सलाम। किस तरह तुम कुदरत पर इल्जाम लगा दिया? इंसान का एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा फाटक खुल गया। तुम दोनों हमको शुक्र गुजार किया कि नौकरी से छुड़ा दिया, आज हम इन परिंदे के मौत पर आजाद हो गया है। चलो चलो, ये 40 रुपया से कारोबार कर जाएगा। तो फिर क्या धंधा किया? बताएगा बताएगा, जल्दी से बोल। फूड पॉलिश करो, एकदम फर्स्ट क्लास है। किस तरह तुम पाँव पर गिर गया काम ताकत, कोई सर का ऊपर चढ़ जाऊंगी, ऐसा जमाना आ गया। बोलती होगी गुलियार खान, एक तरकीब बोलो जिससे ये 40 रुपए 40,000 बन सकते हैं। क्या क्या? 40,000? हाँ चुट बोलो, मेरे पास बाल उगाने का एक नहायत अच्छा नुस्खा है। बाल क्या फायदा, अनाज उगा जाओ, अनाज से हुकूमत शुक्र गुजार हो जाएगा। ओ गुलियार खान, तुम नहीं समझते, इस बंबई में कम से कम 5 लाख गंजे हैं, अगर हर गंजा 2 आने भी दे तो 10 लाख आने बनते हैं। 10 लाख? 15,000 ना, अरे 62,500 रुपया। वही 62,500 रुपया, वही कुर्बान। इस कारोबार पर कुर्बान, जल्दी बोल जाओ। अभी दवाई लेके देता हूँ, जल्दी से लेके। गुलियार खान, ये तो तुमको और चीज है। वो क्या बारक बिस्मिल्लाह करो, सब अल्लाह का जमीन पर पैदा हो गया। वो अब तुम्हारा कुदरत पर कुर्बान हो गया, भारी काम हल्के आदमी को दे दिया। अपन तक गया है, अपन नहीं करने को सकता है। तुम इश्क करने सकता, काम नहीं करने सकता है। वो है कमजोर महाराज, इस बहुत मेहनतदार इंसान का काम हो गया। चेपर हाथ को देख जाओ, किस तरह पहाड़ तोड़ डाला। आप पर पहाड़ तोड़ डाला क्या? अभी अब काम चल, कुछ काम कर। कम अगत मारा, दो इंसान का माफिक बोल जाओ जानवर। तुम्हारा नबज किधर है? अरे घर को भूल कर आया होगा। वो जाओ पहले नबज लेकर आओ। हाँ जी हाँ जी, लेकर आओ। नबज उधर चोड़ा है, आप इधर आए। कमल आए अंदर होगा। मैंने कहा ये डॉक्टर प्रकाश कौन है जी? ये क्या सर, आपकी का सामने बैठला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा आप डॉक्टर कैसे बन गए जी? आप दरोगा कैसे बन गए जी? देखो इस मुसाफिर खाने में धंधा नहीं करने का जी। क्यों? अरे धंधा नहीं करेगा तो तेरा भाड़ा कौन देगा? ज्यादा गड़बड़ करेगा तो हम अभी का अभी मनी ऑर्डर वापस कर देगा। अरे मनी ऑर्डर? दरोगा साहब, बात दरअसल ये है कि हमने चुपाटी पे फर्स्ट क्लास ऑफिस लेके रखा हुआ। क्यों फ्रांसिस? हाँ हाँ, 420 रुपए महीने का फुकट भाड़ा दिया। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। परा ये मनी ऑर्डर क्या चीज? नहीं मालूम, कमाल है। अरे मनी माने रुपया, ऑर्डर माने हुक्म। सरकार का हुक्म है कि अपन लोग रुपया दे। गुलियार खान ये देखो 30 रुपए और ये खत, बम्बई के बहुत बड़े रईस शेख बिलो मंगल ने हमें बुलाया है। गुलियार खान पलटी पलटी
किस्मत पलटी। हमारा किस्मत पलटी 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 अरे पलटी 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 किस्मत पलटी पलट पलट के पल पल पलटी पलटी प्यार का मौसम मारा लागे खटा झूमने मैं बनके बिजली आई दामन तेरा झूमने प्यार का मौसम मारा लागे खटा झूमने मैं बनके बिजली आई दामन तेरा झूमने पलटी अरे पलटी बड़ा बड़ा बात कर जाओ रुपया ज्यादा मांग जाओ। गुलियार खान मेरा तो दिल धड़कता है। फ्रांसिस तू डॉक्टर बन के अंदर चला जाना। नहीं 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 हम डॉक्टर कैसे बोलेंगे रे हम तो पहले बीमार है लव सिक। वो प्रकाश वो जाओ शेर नर का माफक जाओ हम दोनों तुम्हारे वास्ते दुआ मांग जाएगा जाओ जाओ अल्लाह के वाले। अरे तुम्हारा तो दुआ हमको मार डालेगा खाली पीली घबरता है रे। क्या है शाम सेठ बिलवा मंगल जी है जी साहब कह दो कि हम आए बैठिए साहब। हेम साहब क्या है एक साहब आया है बुलाओ। आइए साहब नमस्ते आइए। अरे
कीजिएगा, मुझे विदेशी सिगरेटों के मुकाबले में अपने देश की बीड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें कागज नहीं होता जी और तंबाकू भी नहीं जी जी, सिर्फ खाते ही खाते जी बिल्कुल नहीं, मुझे तो आज तक कभी खांसी हुई ही नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? जरा सा बुखार हो गया है। तो इलाज क्यों नहीं करते? अभी अभी हुआ है। आपका नाम कुछ अजीब सा है जी। हम हैं डॉक्टर डॉक्टर फ्रांसिस कुटिनो अल्बर्टो डिकास्टा जी। माफी चाहता हूँ, ये एक मेरे अजीज दोस्त का कार्ड है, वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। मेरा कार्ड ये लीजिए, ये है मेरा कार्ड। हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी से। शिफाउल मुल्क मसीहुल जमा हकीम मौलवी गुलजार खान काबली। अजीब बात है, आज गलती पे गलती हो रही है। मेरा कार्ड मेरा कार्ड मेरा कार्ड आप कांप क्यों रही हैं जी? बुखार कुछ ज्यादा तेज हो रहा है। अच्छा जा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भेजती हूँ, पिताजी अभी आते हैं। अच्छी बात, मैंने कहा जरा जल्दी से आइएगा। आइएगा, मेरा मतलब जल्दी भेजिएगा। बिलवा मंगल, इस भयानक और अंधेरी रात में कैसे आ गए? बिजली कभी आंधी कभी बरसात ने रोका, सौ रंग से सौ ढंग से इस रात ने रोका, पर रुक न सका शौक मेरा रखनगरों से, मैं आ ही गया उड़ के मोहब्बत के परों से। चिंता प्यारी चिंता, कौन हो भाई? चेची मैं हूँ। समझ गया समझ गया, टेलर मास्टर। अच्छा अच्छा मास्टर जी, नाप ले लो, केरू रंग की कफनी, गरीबान लंबा, बिलवा मंगल टाइप। चेची मैं टेलर मास्टर नहीं, हा? मैं हूँ डॉक्टर प्रकाश, इन्वेंटर ऑफ मैजिक हेयर ऑयल। अच्छा अच्छा, तो आप हैं डॉक्टर प्रकाश? मेरा तो ख्याल था इस जादू भरे तेल का बनाने वाला कोई सौ बरस का बुड्ढा या कोई साधु संत होगा। जी हाँ, आपका ख्याल गलत नहीं है, दरअसल इस तेल के बनाने वाले मेरे पिताजी हैं। वो बचपन ही से सन्यासी महात्माओं के दीवाने थे और एक बहुत बड़े सन्यासी के द्वार से ये नुस्खा उनके हाथ लगा। बचपने के शौक, बचपने की दीवानगियां सबकी पूरी हुई, मगर अफसोस मेरी दीवानगी मेरी तमन्ना। सेठ जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, वो कौन सी तमन्ना है जो पूरी नहीं हुई? मैं बचपन से बिलवा मंगल के रूप का आशिक हूँ। मैं बिलवा मंगल बनकर अपनी शोक और चंचल चिंतामणि को बस में करना चाहता हूँ, ये है मेरी तमन्ना। चिंतामणि, बिलवा मंगल? डॉक्टर, ये मट्टी का शरीर बिलवा मंगल है और मेरी बेचैन रूह, मेरी चंचल आत्मा चिंतामणि है। चिंतामणि बिलवा मंगल से दूर भाग रही है, मेरी आत्मा मेरे शरीर के काबू में नहीं आती। डॉक्टर, जिस दिन ये दोनों एक हो गए उस दिन मेरी मुक्ति हो जाएगी। मगर सेठ जी, आपकी मुक्ति का मेरे मैजिक हेयर ऑयल से क्या वास्ता? यही तो समझने की बात है, तुम अभी बच्चे हो डॉक्टर। चिंता को हासिल करने की सिर्फ एक तरकीब है, वो ये कि मैं सचमुच बिलवा मंगल बन जाऊं। मगर क्या करूं डॉक्टर, बिलवा मंगल जी की यहाँ तक लंबी लंबी जुल्फें थी। डॉक्टर, मेरी जुल्फों का बंदोबस्त कर दो, फिर मैं जानू और मेरी चिंता। ये तो बड़ी मामूली सी बात है सेठ जी। मामूली सी बात? हाँ, आप इस तेल को सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल कीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि घुंघर वाली चमकदार जुल्फें आपके यहाँ तक तो क्या आपके कदमों में आ जाएंगी। मिल गया मुझे मेरी मंजिल का पता मिल गया। डॉक्टर, इसके कहा दाम लेने से सन्यासी बाबा ने मना किया हुआ है, मगर हम लोग पब्लिक की भलाई के लिए हेयर रिसर्च लेबोरेटरी खोल रहे हैं, जिसके लिए हमें फिलहाल बोलो बोलो 2500 रुपए की जरूरत है। 2500 रुपए? सेठ साहब, आप जरा उस हालत का तस्वीर कीजिए, कर रहा हूँ, जब आपके सर पे घने और चमकदार बालों की लहरें मौजे मार रही होंगी। और मंजूर है, मुझे मंजूर है डॉक्टर, मुझे मंजूर है, मगर मगर इस वक्त
सिर्फ 500 रुपए की किस्त देता हूँ, बाकी के रुपए जब जुल्फे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोई हर्ज नहीं सेठ साहब, मैं 15 दिन के बाद इस दवा का दूसरा हिस्सा ला रहा हूँ, उस वक्त ले लूंगा। ठीक है आप बैठिए, या पैसे जल्दी खिलाइएगा। वो मुझे ये आदमी डॉक्टर वास्तव में अच्छा मालूम होता है। अरे पत्नी, इस जमाने के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, वरना यही लोग हमारी दुनिया बदल के रखते। ऐसे मेहनती और काबिल नौजवानों की हिम्मत बढ़ाना तो हमारा फर्ज है। जाओ तुम अपना काम करो, चलो 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 चलो। तुम अपना अल्लाह से दुआ मांग दो, हम अपना अल्लाह से दुआ मांग देगा। चलो चलो। तो बम्बई का सब पब्लिक को एकदम गंजा कर दो, प्रकाश का दवाई खूब बिक्री होगा। परवरदिगार हमारा नसीब का सब चीज हमको आज दे। डॉक्टर साहब ये लो 500 रुपए, गिन लो। अजी गिने गिनाए। इसके लिए कोई परहेज? जी हाँ, परहेज। लाल मिर्च बिल्कुल बंद, सर पे साबुन बिल्कुल मना, सुबह शाम 5 मिनट के लिए सर के बल खड़े रखिए, और रात को सोते वक्त 12 लंबे और गहरे सांस लीजिए। अब मैं जाना चाहता हूँ। विश्व और डॉक्टर साहब, मालूम होता है आज हमें दुनिया भर की चीजें मिल गई। इतना बड़ा कमरा 5 रुपए रोज का, अरे ये सुख, ये चैन, ये आराम। अरे तू असल चीज सर तुम भूल ही गया। नहीं बताएगा? बोला कुछ आँख कुछ पैसा, कुछ आँख मिली कुछ पैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। कुछ आँख मिली कुछ पैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। यूँ तो सबके सनम है, किस्मत के धनी लाखों है, मगर यूँ तो सबके सनम है जान जिगर, किस्मत के धनी लाखों है, मगर न मिलेगा कहीं हमें जैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। कुछ आँख मिली कुछ पैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। बम्बई में इधर, पेरिस में उधर, अपन जैसा सनम नहीं होएगा किधर। बम्बई में इधर, पेरिस में उधर, अपन जैसा सनम नहीं होएगा किधर, नहीं होएगा किधर। हमको जैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। कुछ आँख मिली कुछ पैसा मिला, हमें दिल भर देखिए कैसा मिला। फ्रेंसिस, तुम किधर था? फ्रेंसिस हम तुमको बहुत याद किया, बहुत याद किया। डार्लिंग, हम गोवा गया अपने पापा के पास, हम लोग के शादी का परमिशन के वास्ते। हाँ डार्लिंग, पर वो हमको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, बहुत बिगड़ गया हमारे ऊपर। तुम हमारे पास काहे को नहीं आया फ्रेंसिस? अरे हम पन कमती थोड़ा था, हम पन बिगड़ गया। विदाउट टिकट ऑल इंडिया का टूर किया, हैदराबाद का चार मीनार देखा, कलकत्ते का काली घाट देखा, बनारस का ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग देखा। बट परंतु किंतु लेकिन डार्लिंग, तुम्हारा वापस केबल पड़ने का है।
झूठा फ्रेंसिस और हक बर्फी। अरे मैरी डियर, मैरी तुम्हारा मम्मी कैसा है? हम लोग को शादी के बारे में क्या बोलता है? हमारा फादर भी तुम्हारे फेवर में है, लेकिन मम्मी तुमसे नाराज है। तू विलियम को पसंद करता है। विलियम कौन है? विलियम हमारा ऑफिस का मैनेजर है। वो मम्मी को बहुत धक्का लगाता है, शादी का बात करता है। मैरी हम कसम खाता है रे, बाय गॉड हम कसम खाता है, तेरा शादी किसी दूसरे लोफर के साथ में होएगा ना तो हम अपना दिल का टुकड़ा करके। कितना पता ऑल टुगेदर? पांच। पांच ना, ये पांचों पदों को खिला देना। ओ नो फ्रेंसिस, दिल टुकड़ा करने का चीज नहीं, दिल लगाने की चीज है। मेरा ना बन सके अपना हमें बना के दे, थोड़ा सा दिल लगा के दे, मैंने से मुस्कुरा के दे, मेरा ना बन सके अगर अपना हमें बना के दे। मेरा ना बन सके अपना हमें बना के दे। मेरा न बन सके अगर अपना हमें बना के दे। मेरा न बन सके अपना हमें बना के दे। थोड़ा सा दिल लगा के दे, मैंने से मुस्कुरा के दे। मेरा न बन सके अपना हमें बना के दे। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मम्मी मम्मी, नवा कमी
5 रुपए का। इज्जत जी झाड़ू हम 10 रुपए का खरीदा मालूम 10 रुपए का। काय कुछ झूठ बोलता मामी, भिंडी बाजार में 2 आने का, चोर बाजार में जाती है 1 आने का मिला। हम तो मम्मी बोलता है, इसको सिस्टर नहीं बोल सकता। गलती गलती, तुमको आंटी बोले। मिस्टर जॉन देख तो सीजियत का सामान जल्दी देख तो। Get out, you third class sofa. Third class? Yes, first class sofa. Oh, you get out, Jata. Get out. Please, Daddy. Oh, you also shut up. Please, get out. Darling. Darling. Oh, Papa, no butter. Oh, Papa, no butter. Get out. All right, bowling, bowling, bowling. Get out. सुबह शाम 5 मिनट तक सर के बल खड़े रहना। सर के बल खड़े। ये 12 दिन कब कटेंगे, कब उससे मुलाकात होगी? वह बरकाय क्या हो गया खान? इश्क हो गया इश्क। किधर? उस सेठ के बंगले में जहाँ दवा बेचने के लिए गए थे। वह कारोबार का जगह पर इश्क मत कर जाओ, बरकत गायब हो जाएगा। अब बरकत गायब हो या हम, ये तो हो के रहेगा। वह पारास के हालात से इबरत हासिल कर जाओ। अरे गुलियार खान, तुम लोग क्या जानो इश्क क्या चीज होती है? क्या क्या? हमारा वतन के मुआफिक मजबूत इश्क किसी मुल्क में नहीं हो जाएगा। हमारा ताजा का मिसाल, एक औरत से इश्क किया और उससे बोल दिया कि तुम्हारा शादी हमारा साथ नहीं हो जाएगा, हम मर जाएगा। शादी नहीं हो गया, हमारा दादा 50 साल के बाद मर गया। 50 साल बाद? कोई 50 साल गुजर गया वो लेकिन अपना जबान नहीं भूल गया। वो तुम्हारा कमजोर इश्क कितना सबर किधर कर जाएगा। अच्छा बाबा माफ करो, ये पार्सल और खत उठाओ और डाकखाने की तरफ रवाना हो जाओ। क्या तुम लोग फ्रांसिस, क्या हुआ? मेरा कचरा हो गया। कचरा हो गया? हाँ। बता दो जी। हम मैरिज के साथ में डांस करता था। ओए ओए डांस क्या चीज? नाच नाच। क्या चीज में कोई बोल सकता है? बोलना बोल, आगे बोल। हम मैरिज के साथ में डांस करता था। ठीक है। उसका माँ पीछे से आके मेरे को जड़ू से मारना शुरू कर दिया। मैं सामान छत्री वित्री सब बहुत देख लिया। मेरे को गुस्सा आया, नीचे मैं सामान उठा के सीधे इधर चलाया। अब मेरे मैरिज क्या हो गए? घबराने की कोई बात नहीं फ्रांसिस, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं प्यारे। तुम दोनों डूब जाएगा। खराब बात मुंह से निकालते हैं। आदत है। तुम दोनों डूब जाएगा, मेरे को तिर नहीं आता है क्या? निकल जाएगा मैं भी सुन कर। मुझे मालूम है तुम सुन कर सकते। बहुत लंबा लाइन हो गया। हाँ 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 सर, ये क्या है? दवाई साहिबा, हम हकीम। मेरा क्या काम हो गया? मेरा काम इधर का माल उधर करना। ओ मजदूरी कुर्बान कुर्बान, हलाल क्या कमाए। शुगर लाइन खत्म हो गया है। ओए अपना काम खत्म कर जाओ भाई। अपना काम खत्म हो गया खान। ओए कुर्बान कुर्बान, ओए बहुत जल्दी खत्म किया काम तुमने। ले ये भारी है, पर और टिकट लगाओ। मुलाजिम साहेब, और टिकट लगाएगा कि और भारी हो जाए। चलो टाइम मत खराब करो। अच्छा ये लो पार्सल, लो देख जाओ इसको। ये ठीक नहीं बना, हम नहीं लेगा। वो मुलाजिम साहेब, हम बहुत मेहनत से इसको 4 घंटे में बनाया। तुमने 4 घंटे में बनाया, हम इसे 2 मिनट में उधेड़ सकता है मालूम? क्या क्या? तुमको अल्लाह ताला ने बनाया, हम तुमको 1 मिनट में उधेड़ सकता है मालूम? कितना गलत बात कर दिया। वो तुम पब्लिक का नौकर हो गया कि पब्लिक का वालिद हो गया? अच्छा अच्छा चलो, दूसरों का टाइम मत खराब करो,
आठ आने का टिकट लगाओ इस पर। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों करता है पब्लिक का नौकर, ये लियो आठ आना देता है। वो वो पब्लिक का नौकर, हमारे बटुआ चोरी हो गया। वो वो किधर गया, इधर गया वो, इधर समुद्र मार करने वाला, वो बिना दर तुम उसको देगा? वो किधर गया वो इंसानियत का दुश्मन, देगा तुमने उसको? नहीं देगा। इतनी लापरवाही, और इस बंबई में जहाँ एक से एक बढ़ के चोर मवाली और जेब कतरा है। हाँ रे, इतना बात तो बच्चा भी समझने को सकता है, कितना भारी रकम घुमा दिया। पर अब खान भी क्या करेगा रे, इधर का चोर लोग बड़ा चालाकी से पकड़ मारता है। अब इस चालाकी के बच्चे इसे 36 जेबे अंदर काय के लिए रखी है। बिल्कुल बराबर है, बराबर भर की जन में काय पूरा करे, चोर लोग को चांस दिया। पर अब होने का बात हो गया, खाली पीली गर्म काय को होना, क्यों कहा काहे का गर्म होना बेटे, पैसे कमाओ तो पता चले। तेल का सौदा करते वक्त दिल धड़कता था और हाथ कांपते थे, और नवाब साहब की तरफ देखो, घर से 50 रुपए पार्सल करके चले आए। बात इसका भी बराबर है, पैसा संभाल के खर्चा करने को मांगता है। ओ, पर खान का इसके अंदर जास्ती मिस्टेक नहीं है रे, बेचारा बहुत सिंपल। क्यों खान? वो कमजोर पारण, तुम बहुत इतना इंसान हो गया कि दोनों तरफ कार्रवाई कर गया। गुलिया खान, तुम समझता नहीं है रे, अपना काम दोस्तों में झगड़ा रोकने का, इंसाफ का बात था। ये तुम्हारा कैसा इंसाफ हो गया कि सारा मुलामत हमको कर गया, ये गाली उठाना खराब चोर को नहीं दे गया कि बटुआ निकाल गया। सब देता है, गिरो तुम चुप रह जाओ। नहीं, हम तुम्हारा मदर है, हम जो बोलता तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता है, और जो हम करेगा वही होगा। वो फ्रांसिस लोफर, अगर तुम उसको नहीं भूलेगा तो हम तुम्हारे दांत तोड़ देगा, समझा? नहीं माय डॉटर, देखो हम तुम्हारा डैडी है ना, जो बोलेगा तुम्हारी अच्छाई के लिए बोलेगा ना। फॉर गॉड सेक फ्रांसिस लोफर का ख्याल छोड़ दो, विलियम की तरफ देखो, उसने पहले तुमको नौकरी दिलवाई और अब 100 रुपीज का इंक्रीमेंट दिलवा रहा है। अब तुम बोलो, वो फ्रांसिस लोफर डेनिलस अच्छा है या विलियम? Oh, by all means, William, please come. Good evening, Mummy. Good evening. Good evening, Dad. Good evening, William. Good evening. Hello, Mary. Hello. Back, William. Thank you, Mummy. अब बहुत दिन के बाद आया? मम्मी, बात यह है, जेठ जी को 10-15 रोज से ऑफिस नहीं आ रहे, और सारे ऑफिस का चार्ज मेरे हाथ में है, बहुत काम करना पड़ता है। I see. आज इसीलिए मैं भी बहुत देर से आया, बहुत थक गया। मम्मी, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया, ये देखो। How sweet. Oh, very good. Dad, तुम्हारे लिए भी एक प्रेजेंट लाया। थैंक यू सो मच। मेरी हर वक्त यही बोलता है। गुलिया खान, मेरे को दौलत नहीं मांगता है, मेरे को अक्ल नहीं मांगता है, मेरे को मेरी मिल जाए तो बहुत है। सलाम डॉक्टर साहब, सेठ जी ने आपके लिए गाड़ी भेजी। वो कुर्बान सेठ ने गाड़ी भेजा। चलो जल्दी से संभालो, ये कुछ चलो, वो जोड़ो डाले। बड़ा साहब, आपसे बहुत खुश है। अरे खुश क्यों नहीं होंगे, ऐसी दवा दी है कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वही तुम इधर किस बात में बैठ गया, अंदर जाओ, बाकी रकम लेकर आओ। वो अभी लेकर आए। गुर्गा जी साहब, गुण गुरुम चाल और है। अच्छा साहब, नमस्ते। क्यों ना, पर इससे जास्ती अच्छा अपना मेरे हाथ से ब्यूटीफुल लव करता है। नमस्ते। अब
सेठ जी नमस्ते। तो इससे बाल घने हो जाते हैं। जी हाँ। अमर हो जाते हैं अमर बेल की तरह। जी हाँ जी हाँ। बल्कि हमारे पास तो बीसियों ऐसे सबूत हैं कि बाल हमेशा के लिए काले हो गए थे। तो इससे बाल काले हो जाते हैं, इतने इतने लंबे भी हो जाते हैं घोड़े की दुम की तरह। जी हाँ जी हाँ। सेठ साहब आप तो खुद तजुर्बा कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। सेठ साहब उन मद्रासी साहब के मुतालिक तो आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। कल ही पढ़ा। जरूर पढ़ा होगा। उनके बाल 2 इंच रोजाना के हिसाब से बढ़ते हैं और वो कटवाते कटवाते तंग आ चुके हैं। तंग तो मैं भी आ चुका। सेठ साहब ये चीज ही कुछ ऐसी है, बल्कि आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। आपके पिताजी की मिसाल तो आपके सामने ही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अभी अभी मैं नमूना पेश करता हूँ। जरूर कीजिए। ये है नमूना मेरे खास सेठ जी। तुम्हारे इस मैजिक आयल की ऐसी की तैसी और तुम्हें क्या कहूँ। ठहरो अभी खबर लेता हूँ। हेलो पुलिस कमिश्नर। सुनिए सुनिए सेठ जी, मेरे सेठ जी का बच्चा। मैं अपने 85,950 बालों का पत्ता लेकर ही चलूंगा। चलो रास्ते बैठो, हटो। राम सिंह जी साहब, सब दरवाजों पर आदमी खड़े कर दो और बाहर की गेट पर टाइगर को खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। मैंने कहा आप ही ना समझाइए, ये तो मैंने बिल्कुल सुनते ही नहीं। हेलो टाटा तेल कंपनी, फिर तेल। सब बाल का जंगला था, फिर फार्गुल बाल हो गया। एकदम से वो चलो चलो भागो जल्दी चलो। वो उधर की जगह जाएंगे, ये अंदर का रास्ता है। मेरी बात तो पिताजी सुन तो लीजिए, कहते क्या है। ये भी नहीं कर, बको बको क्या बकना चाहते, जल्दी बको, मेरे पास वक्त नहीं। बको सेठ जी, हमारे कोच के 2 हिस्से, शुरू की दवा सारे बाल उतार देती है, यहाँ तक के थोड़ी बहुत खोपड़ी भी निकल जाए सब कोई जाने ही फिर अपनी जगह पे आ जाए। और ये समझ लीजिए कि ये बाल उगने की पक्की निशानी है। सेठ जी जो दवा अब मैं अपने साथ लेके आया हूँ वो न सिर्फ आपके बाल उगाएगी बल्कि आपकी खोपड़ी की मरम्मत भी कर देगी। समझदार है, मरम्मत भी कर देगी। और फिर उसके बाद 40 दिन के अंदर अंदर आपके सर पे घने और चमकदार बालों की लहरें मौजे मार रही होंगी। डाकू कहीं के अब तुम्हारा जादू हम पर नहीं चल सकता। मेरे ये बाल धूप में सफेद, मेरे 85,950 बाल। पुलिस बहार हमेशा पतझड़ के बाद आती है सेठ जी, दरख्तों की मिसाल ले लीजिए। मिसाल के बच्चे तू ऐसे नहीं मानेगा। राम सिंह कुंदन। जी सरकार। पकड़ लो बदमाश को। देखिए सेठ जी, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और 40 दिन के अंदर अंदर आपके बाल भी हो गए तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी इम्पॉसिबल। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, इनको कुछ समझाइए। पिताजी जी, कहीं ये सचमुच बेगुनाह ना हो, आप 40 दिन के लिए ये नई दवा भी आजमा कर देख लीजिए। 40 दिन के लिए? जी हाँ। बेटी 40 दिन में तो ये भेजा बिल्कुल बाहर निकल आएगा, कौवे ठोंगे मारेंगे, फिर इस डाकू को कौन पकड़ेगा। तुम बीच में ना आओ, ये भागने के लिए ढोंग रचा रहा है, तुम नहीं जानती ये 420 है। एक तरकीब है पिताजी, क्यों ना इन्हें राम सिंह के कमरे में 40 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा, जो सच का पता चल जाएगा। जी हाँ जी हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। 16 आने मंजूर है, 100% मंजूर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुंदन राम सिंह बंद कर दो, बंद कर दो।
सारे गामा पाधा निशा सानी था पामा गारे सा जी क्या कर रहे हैं आप? गा रहा हूँ। गा रहा हूँ? अगर ये गाना है तो फिर रोना किसको कहते हैं? अजी मैम साहब, इस काल कोठरी में ले आइए तानसेन और बैजू बाबे को। अगर इससे अच्छा गा जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। खैर, नाम तो किसी वक्त भी बदला जा सकता है, लेकिन मुझे डर है कि अड़ोसी पड़ोसी कहीं आपका हुलिया ना बदल दे। अजी नाम और हुलिया क्या चीज है, हमारी तो दुनिया ही बदल डाली है किसी ने। डॉक्टर साहब जी, जरा सुनिए तो। फरमाइए। एक बात पूछती हूँ, कसम खाइए किस से जवाब देंगे। मैं कसम खाता हूँ जमीन और आसमान की, इस सच्चाई का दामन न छोड़ूंगा। इससे बड़ी कसम खाइए। आपकी कसम। बदतमीज। सॉरी, वेरी सॉरी। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? खाने के बारे में पूछने आई थी। भूख लगी हो तो भिजवा दूं? जी हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। जरा जल्दी भिजवाती। थैंक यू। कल की बची हुई दो पूरियां और थोड़ी सी चटनी भेज दो डॉक्टर साहब के लिए। और वो मुलाजिम लड़का। बोला खान साहब। वो हमारा चप्पल की कर गया। ये जो सुहेला आदमी है ना, इसने उठा के आपका चप्पल छत पे फेंक दिया। वो ये कपड़े इस इंसान के हो गया। ले इसे हमारा चप्पल के पास फेंक दो। नहीं खान साहब। ले हम जिम्मेवार हो गया। वो बरात पूछो, आप
अपने काम का मस्जिद में जाओ। उसने आपको लाल मिर्च खाने से मना किया था, सर पर साबुन लगाने से मना किया था, और सुबह शाम सर के बल खड़े रहने को कहा था, और शाम को सोते वक्त लंबे और गहरे सांस लेने की ताकीद की थी। ताकीद की थी? अब सारा कसूर उस गरीब के साथ थोपना तो बिल्कुल बेइंसाफी है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं ये सब कुछ करता तो क्या मेरे सर पर बाल उगाते? और नहीं तो क्या, आखिर डॉक्टरी इल्म भी तो कोई चीज है। अरे बेटी, वो डॉक्टर वाक्टर कहाँ, कोई खानदानी ठग मालूम होता। माला, ये जरूर कोई डाकू है जो मुझे लूटने के लिए भेष बदल कर मेरे घर में आ गया है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ठहरिए पिताजी, याद कीजिए, आप ही तो कहा करते थे कि हमें अपने देश के नौजवानों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। यही लोग तो हैं जिन्हें मौका मिले तो बड़े से बड़े साइंसदानों का मुकाबला कर सकते हैं। पिताजी, वादे के मुताबिक ये दवा आपको 40 दिन तक इस्तेमाल करनी चाहिए। 40 दिन? अरे बेटी, 15 दिन में तो ये हाल हो गया, 20 दिन में सर गायब, 40 दिन तक लोग पूछते फिरेंगे सेठ बिलवा मंगल चिंतामणि कहाँ गए। तुम कुछ भी कहो, ये दवाई मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, फिर मुझे न कहना। हाँ, साहब गाड़ी आ गया। आ गया? अच्छा, मैं चला। कुंदन, अगर तुम्हारे सर पर घूंगर वाले बाल उगाए तो बीबी जी मैं फौरन शादी कर लूंगा। क्या कहा? ठीक है। क्या ठीक है? पिताजी, आपकी दवा मैं कुंदन के सर पर आजमाती हूँ, थोड़े ही दिनों में आपको इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। मालूम क्या हो जाएगा, हो चुका। ये बेले जर्द पड़ गई है और ये पौधे सूख गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। अरे फरिश्ता रहमत, एक नजर इधर भी। जी, क्या फरमाया आपने? मैं भी यहाँ सूख रहा हूँ बहुत दिनों से। क्या मतलब? इतनी दूर आवाज पहुँचाने की हिम्मत कहाँ है, जरा करीब आइए। कहिए। अर्ज ये है कि हम सियासी कैदी नजर ही, मगर बीए तो हैं। जरा ये कमरा मुलाहजा फरमाइए, उस पर ये गर्मी, ये मच्छर, ये खटमल, इतनी तकलीफ सरकारी जेलों में भी नहीं होती। पिताजी तो आपको वहीं भेज रहे थे। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, उनसे कहकर आपको वहीं भिजवा दिया जाएगा। सुनिए सुनिए, हम अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्या वाकई आपकी दवाई में कुछ असर है या सिर्फ 420 है? मैम साहब, भगवान चाहे तो मेरी दवा पत्थर पर घास उगा सकती है, अब मेरे नसीब ही गंजे हो तो मैं क्या करूं? खैर, दवाई तो आपकी जैसी भी हो मगर बातें आपको बनाती हैं। कहाँ के रहने वाले हैं जी आप? दिल्ली का, वहाँ मेरी कोठियाँ थी, बल्कि हैं। तो गाड़ियाँ भी होंगी? जी हाँ। आपके पिताजी बहुत अमीर होंगे। अजी होंगे क्या है। अच्छा। माला, माला बेटी। पिताजी, अब क्या करूं? डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको डांटूं तो बुरा मत मानिएगा, प्लीज। अजी साहब, तकल्लुफ छोड़िए, मुझे खूब डांटिए, बल्कि गालियां दीजिए। जल्दी जाइए, वो देखिए क्यों आ रहे हैं। जाइए जाइए। बड़े आए नवाब साहब कहीं के, खाना पसंद नहीं, मच्छर काटते हैं, नहीं देते। अरे जेल जाओगे तो आटेदार का भाव मालूम होगा। हाँ, बड़े आए नवाब कहीं के। क्या हुआ बेटी, कैसा आता, कैसी दाम? ये डॉक्टर है ना पिताजी, तेली। हाँ, धंधे तो है 420 के और मिजाज है सातवें आसमान पर। चलो बेटी, ऐसे घटिया लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। वो सेफ की चाबियां कहाँ है? देखो ना, अब तो मैं चाबियां भी भूलने लगा, ये है तेल का असर। अगर 40 दिन के अंदर अंदर दवा ने अपना असर ना दिखाया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ चलो बेटी, चलो चलो। फाइल भी भूल गया, मुझे डर है कहीं खुद को ना भूल जाऊं।
मेरी, गुड मॉर्निंग मेरी। ओ सॉरी जी, आते हैं। मिस मेरी। ये क्या हुआ सेठ जी? एक बदमाश के मैजिक हेयर ऑयल ने गंजा कर दिया मुझे। तुम क्यों पूछते हो? ये मेरा प्राइवेट मामला है। सिट डाउन राइट। आई एम सॉरी सेठ जी, मगर ऐसे 420 के खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं। राइट। मूचन एंड कंपनी रिगार्डिंग कॉटन बेल्स। यस सर। तुम क्या समझते हो? मैं उसे छोड़ दूंगा? आई विल सेंड हिम टू जेल। आई विल सेंड हिम टू जेल। आई विल सेंड हिम टू जेल। नो। राइट। मिस मैरी, तुम्हारे लिए तो हम होल नाइट पूरा रात उल्लू के माफिक जागता था डार्लिंग, और दिन को तुम्हारा टेक्निकलर तस्वीर दिल में रख के मालूम है क्या करता था? अरे पूछो पूछो डार्लिंग। क्या करता था? जू से चौपाटी, चौपाटी से जू, पागल का माफक चक्कर काटता था। really? हाँ डार्लिंग। और हमारा दोस्त लोग हमको क्या बोलता था मालूम है? अरे बोलता था तुम लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, इन सब लोग का रिकॉर्ड तोड़ेगा करके। झूठा फैंसी। नहीं डार्लिंग, डार्लिंग काम का बात करो ना, हमारे नौकरी का क्या हुआ डार्लिंग? ओ फैंसी, आज तुम्हारा एप्लीकेशन हम सेठ के सामने नहीं रखना सकता। क्यों? सेठ आज बहुत गुस्सा में है। क्यों, क्या हो गया उसको? ऊंचा मत बोलो, विलियम सुनेगा बिगड़ेगा। कोई 420 सेठ जी को गंजा कर दिया। बाप, सेठ जी उसको पकड़ लिया, बंगलो में लॉकअप कर दिया, अब जेल में भेजने को मांगता है। जेल में भेजने को मांगता है? ये फोटो किसका है? ये हमारा सेठ जी है। सेठ जी मर गए, मर गए। डार्लिंग मैं चलता हूँ। चलो तुम हाथ छोड़ो, बाद में बात करें। डार्लिंग उठो जल्दी, चाय लग गया है। अल्लाह इधर आओ, बोलो कम। वो दिल पर क्या हुआ है? मेरे को बहुत गर्मी लगता है। तुम इस वक्त शरीफ औरत हो गया, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर जाओ। मेरे को रास्ता नहीं दिखता है। तुमको रास्ते का क्या जरूरत? खामिन रास्ता तलाश कर लिया, बीवी उस पर चल गया। जाओ वर्दालिन, तुम किस वास्ते चौपाटी देखने का जिद किया है? जब बोल जाओ कि बच्चा किधर गायब हो गया। इधर गायब हो गया। इधर चलो चलो तलाश कर जाओ। क्या जाता है? वो नौकर साहब, हमारा 4 साल का जवान बेटा, नाम कुल जमान, पतंग के पीछे पीछे अंदर गया, गायब हो गया। वो मेहरबान हो, तुम इधर कड़ा कड़ा क्या कर गया? जाओ जाओ अंदर तलाश कर जाओ। वो हमारा औलाद नहीं मिल गया कि हम तुमको तलाक दिया? परवाह नहीं, हम बेवा हो जाएगा। नौकर साहेब, औलाद बहुत प्यारा चीज हो गया। क्या है? कौन है आप? मेरे बानो नाम हो गया,
मैं तो किधर चला गया? खुदा का हम जाएगा, ओ उन्हीं ने जाएगी। कोई मिला? मिल गया? नहीं मिला, खुदा खबर क्या गायब हो गया। अच्छे बच्चा नहीं मिल गया, हमारा नाम गुलियार खान नहीं थे जालिम खान हो गया, हम तुम पर जुल्म कर जाएगा। औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कर जाओ बेचारम, अपना औलाद तलाश कर जाओ, ढूंढो ढूंढो। हाँ बहन, उस तरफ कौन है, वहाँ जाकर तलाश कर लो। वो जाओ ना। अबे फ्रांसिस, ये क्या ढोंग? ढोंग नहीं है रे, तुम पहले लकड़ी दो, मैं ताला तोड़ के तेरे को बाहर निकाल लूंगा। नहीं फ्रांसिस, ये ताला जिसने लगाया है अब तो वही खोलेगा प्यारे। अरे ये प्लास्टरी छोड़ो, बाहर निकलो, ये सेट तेरे को कच्चा जेल के अंदर से पक्का जेल में रवाना कर देंगे यहाँ तेरे को। अबे वो आशे की क्या जो जेल से डर जाए, तेरे को क्या हो गया रे? मिल गया। वो किधर है? वो बाहर नहीं निकलने को मांगता रे। किस वास्ते? उसको लव हो गया, मोहब्बत मेरे बापस। वो बाबा, हम तुम्हारा मोहब्बत बाजी से बोला तंग आ गया। तुम्हारा बच्चा मिला क्या? नहीं मिला। वो क्या बोला? दरख्त पर चढ़ गया पतंग के वास्ते। ओ अच्छा, हम उसको खुद तलाश किया, और तुम अंदर बेगम साहब के पास बैठ जाओ। रुक जाओ, उसको अंदर जाओ। वो परिंदे की औलाद, वो नीचे उतर जाओ। वो प्रकाश प्रकाश, वही चरण करो, हम तुम्हारे वास्ते कुदरत का कानून तोड़ दिया, जे मर्द को औरत बना दिया, बाहर निकल जाओ। हमारी दुनिया तो अब यही है गुलजार खान, अब तो हम अपना काम पूरा करके आए। वो बाहर निकल जाओ, औरत का शिकार मजनू के वाले, शर्म कर जाओ। किस तरह तुम औरत के कैद खाने में गिरफ्तार हो गया, दोस्ती का कत्ल कर दो काम कल। अब तो ये घर जीते जी नहीं छूटेगा गुलजार। हमेशा का वास्ते उड़ गया, परिंदे का माफक आसमान का तरफ उड़ गया। तुम्हारा बच्चा मिला? ओ ककाना खराब हो गया, वो जहन्नम नसीब हो गया, वो हमारा असली औलाद नहीं हो गया, कि वालिदैन से गद्दारी किया, वो हमारे वास्ते मर गया। शर्म कर मेहरबानो। वो मत रो जाओ, वो मत रो जाओ, पर्वत दिगार के खजाने बहुत कुल सामान जमा हो गया। हो गया, मत रो जाओ। और तुम जालिम, हमारा तुम्हारा रिश्ता खलास हो गया। अच्छा बेगम साहब, शुक्रिया हम जाते हैं। वो मेहरबानो, शर्म कर। क्या बीमारी है? बीमारी बड़ी खतरनाक है, जड़े इसकी बहुत दूर तक फैल चुकी है। ओ दरवाजा जल्दी से खुलवाइए, बाहर आके बताता हूँ क्या रोग है मुझे। गोरखा, जल्दी से ताला खोल। हाँ गोरखा, जरा जल्दी, बस आखिरी वक्त है मेरा। ओ, ओ, मर गया। ओ, ओ, मेरी माँ, जल्दी बताइए क्या रोग है आपको।
आपको देखने के लिए आंखें तड़प रही थी, आपसे दो दो बातें करने के लिए दिल तड़प रहा था, बस यही रोक है मुझे। बड़े मक्कार हैं आप, गोरखा साहब अंदर बंद करो। देखिए सुनिए, आप अपने मेहमानों से ऐसा बर्ताव करते हैं? गोरखा, हमारे लिए उम्दा सब बनाते पान लेके और चूना कम। चूना ज्यादा, 420। 420 कही या 840? अब तो हम बाहर आ ही गए। जी हाँ, आप बाहर तो आ ही गए, मगर वादा कीजिए कि आप यहाँ से भागेंगे नहीं। माला, अब इस चार दीवारी से भागने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। भागने का मौका था कल, जबकि मेरे दोस्त आए थे मुझे छुड़ाने के लिए। दोस्त? कौन से दोस्त? वही पठान और उसकी बीवी जो गुलजमान गुलजमान करके पुकार रहे थे। हाँ जी हाँ। माला, वो है मेरे दोस्त जिगरी और जानी दोस्त। उस पठान का नाम है शफाउल मुल्क मसीहुल जमान मौलवी हकीम गुलियार खान काबली। और वो औरत? वो औरत, उस औरत का नाम है डॉक्टर फ्रांसिस अल्बर्टो कुटिनो डिकोस्टा रॉड्रिक। तो वो बुर्के में मुंह डॉक्टर था? और क्या, डॉक्टर नहीं थी। अरे वो कमबख्त तो रो रो कर मेरे गले लिपट रहा था। हाँ? मिलने दो से, मैं उस फ्रांसिस के बच्चे का कुछ उम्र बना दूंगा। मालूम होता है कि आपकी तरह आपके दोस्त भी 420 हैं। देखिए साहब, आप मेरे दोस्तों के बारे में। सॉरी सॉरी, इट्स ऑल राइट। अच्छा ये बताइए कि खाने के बारे में आपको कोई शिकायत तो नहीं? खाने का जिक्र आया तो दिल्ली के शेख साहब याद आ गए। वो कुर्बानी के बकरे को खिला पिला के खूब मोटा करते थे मेरी तरफ। ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। दुआ कीजिए कि कुंदन के सर पर बाल आ जाए। कुंदन कौन? अपना बावर्ची। आपकी दवा उसके सर पर इस्तेमाल की जा रही है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं गारंटी करता हूँ कि मेरी दवा 16 आने कामयाब रही। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कुंदन चंद दिनों से अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। वो क्या? चाय कहती हूँ तो दूध ले आता है, आलू कहती हूँ तो टमाटर बना देता है। भगवान जाने क्या हो गया है उसे। माला, ओ पिताजी, भागे भागे। बेटी माला। पिताजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ बेटी, बोर्ड की मीटिंग के सिलसिले में कलकत्ते से अर्जेंट आ रहा है। अच्छा। मुझे जाना ही पड़ेगा, मगर जब तक घर में ये डाकू मौजूद है कैसे जाऊँ? ठीक तो यही होगा बेटी कि इससे ठिकाने लगा दिया जाए। खाम खा की फिक्र रहेगी मुझे। पिताजी, ये इंसाफ की बात नहीं की आपने। क्यों? आप उस शरीफ आदमी से वादा कर चुके हैं और फिर कुंदन के सर पर दवाई की आजमाइश तो हो रही है। थोड़े दिन और ठहर जाइए पिताजी। हाँ, 10 दिन तो हो गए हैं। अगर ये डॉक्टर सच्चा है तो दवाई ने कुछ असर किया ही होगा। पूछता हूँ कुंदन से। कुंदन आ रहा हूँ सेठ जी। आई रहा था, आई रहा। कुंदन, सर पर दवाई लगाते हो? जी, रोज लगाता हूँ। उतारो टोपी। देखिए देखिए पिताजी। आगे बाल आ गए। सेठ जी, भगवान की कृपा से सर पर बाल तो आ गए, मगर आंखों का उजाला धीरे धीरे जा रहा। आलू टमाटर गोभी में तो कुछ फर्क ही नहीं दिखता। फर्क ही नहीं दिखता। मिर्ची भिंडी मटर और दूसरी छोटी छोटी चीजें तो नजरें नहीं आती। अरे नजरें नहीं आती? ओ नजरें नहीं आती, देखा तुमने? पुलिस। मेरी बात तो सुनिए पिताजी, कुंदन की आंखें पहले से कमजोर होंगी या इसकी कोई और वजह हो सकती है। पिताजी, आप ही तो कहा करते हैं कि हमारे देश को मेहनती नौजवानों की जरूरत है, और ये भी आपका कॉल है कि चाहे जान चली जाए मगर इंसान को अपनी जबान नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा, तुम्हारी सिफारिश पर एक चांस और देता हूँ, मगर याद रखो अगर मेरी हालत भी कुंदन जैसी हुई तो गोली मार दूंगा। सुना डॉक्टर, गोली मार दूंगा। मेरा सामान बांधो। अच्छा पिताजी। फ्रांसिस नाम का कोई आदमी रहता है? कौन फ्रांसिस? फ्रांसिस कुटिनो अल्बर्टो डिकोस्टा रॉड्रिक। नहीं नहीं साहब, हमने जानता। वो जालिम, तुम किस बात से औरत पे डर गया?
अरे वो मेरी है। तेरी? वो क्या खड़ी है गुलियार खान, अभी उसको 50 आदमी का बीच में किधर लेके जाएगा। हम उसको बोला है कि अपने पास बहुत बढ़िया फ्लैश है करके। ओ जालिम, तुम दुनिया में चारों तरफ झूठ बोल दिया। मेरा गलती हो गया गुलियार खान, गाली कल दे देना, अभी कुछ करो ना। ओ ऐसा, ओ चलो इस दफा हम तुम्हारा झूठ का इज्जत बचा जाए, समझा? क्या ये ताज बिल्डिंग है? ताज बिल्डिंग यही है। ओ तेरी पर आज का मेरी पूजा मदे पूजा मदे। ओ जाओ था, तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया, वेरी गुड न्यूज। अरे वाह गुलिया खान, गुड न्यूज। क्या हो गया? अच्छी खबर। ओ कुछ खबर है? कुर्बान कुर्बान, अब हम अंदर आओ अंदर आओ। आओ मेम साहब आओ। उधर किधर खड़ा हो गया वो कुर्बान? इधर आओ इधर आओ अपने कमरे में। हाँ हम तो भूल गए रे, ये तुम्हारा सिल्वर था? हाँ दूसरा बड़े गोरखा हॉस्पिटल में है बेचारा। मैम साहब दाखिल हो जाओ। ओ नाइस। जाओ साहब जाओ। अच्छा वो है बेचरम पहाड़ कुछ चाहोगे डाली? कितना ये तो छुट्टा है, हम तो बाहर बंडल का बंडल से छोकरा मैं सर को अच्छे ग्लास चला बोल मुश्किल। नो फ्रेंसी हमारे पास बहुत कम से टाइम नहीं डाल रहे। तुम्हारे पास कितना नाइस कमरा है। पतन सर्वेंट है? पतन सर्वेंट फ्रेंड। तुम जल्दी मम्मी का मुलाकात करो। यू नो मम्मी तुमसे पहले से नाराज है। और विलियम मम्मी को बहुत मटका लगाता है, उसको तो मैं मुंडी तोड़ूंगा एक दिन। बट फ्रेंड हम तुमको बहुत लव करता है डार्लिंग। अच्छा I love you so much. हम तो तेरे को लव करता है पर अभी क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा तो बोलता है गुलियार खान। शायद क्या हो गया? शायद क्या हो गया? खान साहब हम आज ही आया है, हमारा इधर कहीं कमरा था शायद यही है। ये कैसे हो जाएगा साहेब? इसमें बाल बच्चों वाला आधा परंगी लोग रह गया। ओ साहेब खुबू हो जाएगा वो। वो वही पर है। बाहर आ जाओ, तुम्हारा मालिक है कमरे का मालिक। मैंने चलो अपन ताजमहल होटल जाएगा क्या पीने का वास्ते। अब पिछलू जू जाएगा बोटिंग करने को पानी की मिट्टी। ओ नो सेंसे, तुम मेरे से ऑफिस जाने को मांगता, हम हर तुमको लेने के वास्ते आएगा। हम मगर डार्लिंग ये वो शर्ट लो जल्दी बदली करो। और ये है देखा आजकल के जेंटलमैन 420 कहीं के। मम्मी बिल्कुल ठीक बोला, मैं तो पक्का लोग एयरपोर्ट 20 है, तुम झूठ बोलने वाला। हम अपना लव वापस लेंगे, तुम अपने फिर कभी बात करना नहीं मत। मेरी कहा जाता है बे? घर जाते रे गुलियार खान। ए बाजू पर है क्या? क्या लफड़ा लगाए रहा है क्या? अरे देखिए ना ये मेरी हायत है, ये मेरी बुशर्ट देता है और ये बदवा जिसमें से 50 रुपए कम है।
जो इसने अभी अभी एक लड़की के साथ पास कर दिए। वो पहलवान चरण करो, उदाई खौफ करो, एक मासूम लड़की पर इल्जाम लगा दिया। हम तुम्हें दूसरों के कमरे में झक मारने की जरूरत क्या थी? मैं गुण क्यों हो गया रे? तो रुपया वापस करो। हम कसम खाते हैं, मैं रुपये देकर जुड़ू ले पर दिया नहीं है। तुम कसम खाता है या दहेज खाता है? रुपया वापस करेगा या पुलिस को हम बुलाए? रुपया दो। हम बोले रहते हैं कि मेरे पास रुपये नहीं है। जोने का अंगूठी दियो। अंगूठी मेरे को वास्ते आई है। दियो। इंसान का इज्जत एक और से ज्यादा कीमती चीज हो गया। लो कालो किधर का उतर उसको। इस ठंडी हवा में तुम अपना अल्लाह को याद कर जाओ, दिलो दिमाग बात साफ हो जाएगा। गुलियार खान, हमको मेरी चीज उम्मीद नहीं था रे। हमारे साथ धोखा किया, बहुत बुरा कर दिया। वो बहुत अच्छा हो गया कि शादी से अव्वल तुमको सबक मिल गया। जो औरत की अभी इतना झगड़ा कर गया, वो शादी के बाद क्या क्या कर जाएगा? औरत का मिसाल अपना वतन में लाजवाब हो गया। हामन के सामने ये अल्फाज नहीं भूल गया। तुम दूसरा मेरी तलाश कर। गुलियार खान, ताना मत मारो, हम पहले ही मरे ला है। नहीं हो सकता है। नहीं, वो औरत का माफक रोज आएगा, इससे क्या फायदा? सबूर कर जाओ कुर्बान। नहीं करने को सकता है रे। हमारा नौकरी गया, छुकरी गया, ऊपर से तुम ताना मारता है, छोटा बड़ा बात करके मेरे दिल के ऊपर बर्फी चलाता है। नहीं, हम डूब के मर जाएगा, अपना जान खराब कर डालेगा। ऐसा तो बहुत अच्छा है। जाओ फिर, खुदा हाफिज। देखो हम चला जाएगा। एक बार बोल दिया, जाओ खुदा हाफिज। चाहता है जाओ। हम सचमुच चले जाएंगे। और जा जा कमजोर बरान। और देखो बरान, इधर आओ। तुम हमको अपना कमीज दे दो, हम अपना चप्पल साफ कर जाएगा। उतर जाओ, ये लो जूता पहन लो। ओ बरान, ओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो बैठो इधर, तुम हमारा दोस्त हो गया है। तुमने से पहले अपना आखिरी ख्वाहिश बोल जाओ। गुलियार खान, ये हमारा आखिरी बेटर बिस्तर है। अच्छा, इसको चोर वगैरह बेच के अपने वास्ते नसवार लो। गुड बाई। अस्सलाम वालेकुम। हम नहीं मरा। वो हमारा फातिहा बर्बाद हो गया। जाओ जाओ बाबा, मर जाओ। नहीं, मजहब का सवाल हो गया। नहीं नहीं गुलिया खान, पानी बहुत ठंडा है, हम नहीं मरना। ठंडा है? अच्छा फिर वादा करो, तुम ऐसा कभी नहीं सोचेगा। हम प्रोमिस करते हैं गुलिया खान, हम दूसरों का नहीं मरेंगे। परवरदिगार, तुम हमारा दुआ कबूल किया, हम तुम्हारा शुक्र गुजार हो गया। वो पारा इस दुनिया में नर बच्चा का माफक ले जाओ। गुलिया खान, हम भी नर बच्चे का माफक जिंदा रहेगा। पर मेरे को बहुत ठंडी लगता है। गुलियार खान, हम दुनिया के साथ फाइट करेंगे, मेरी डार्लिंग के साथ शादी बनाएंगे, हम जिंदा रहेंगे। गुलियार खान, मेरी खुशी। Oh,
करनी पक्के जीने अगर टैरिफ का राउंड मारेगा ठीक। हम ते वस्ते सोना चांदी तांबा पीतल अल्मुनियम सब का ऑर्नामेंट बना के देंगे डार्लिंग। हमारे पास बहुत पैसा है। हमारे एक फ्रेंड है गुलियार खान और उसके पास बहुत पैसा है रे। एक तो नोट का बंडल का बंडल। अहंता बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। उसका कारपेट का धंधा है। हिंदुस्तान का अंदर 8 बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। 2 मोटर कार है। 5 नारी है। अब एक ब्यूटीफुल फ्लैट लेने को मांगता है। बेशक बेशक हमारा कारोबार 8 दुकान में तकसीम हो गया। 2 मोटर कार हो गया। अब तुम्हारा वास्ते हम बहुत बड़ा मकान का फिक्रमंद हो गया। तुम्हारा शादी का फिक्रमंद हो गया है। आप काम क्या करते हैं? साहिबा हम तजारती मुसाफिर हो गया। ताजमहल होटल कायम किया लेकिन अब मकान का फिक्रमंद हो गया। साहब एक मकान है मगर उसकी 2000 रुपया पगड़ी। मामूली रकम 2000 रोजाना का हम नाश्ता कर गया। मगर उसका किराया 25 रुपए है और मेरी कमीशन 200 रुपए। मामूली रकम 2000 रुपए। 200 रुपया भूले? 200 रुपया रोजाना हम नौकर को बख्शीश दे गया। अच्छा चलो मैं मकान दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा वो फरहान जाग जाओ। वो हमारा परवाह करो। मकान का बंदोबस्त हो गया। अरे काय को बंडल मारता है रे। इधर खाने का वादा है ना मकान किधर से मिलेगा? वो तुम किस तरह काम में गरीब हो गया वो ख्याल कर जाओ। जाग जाओ। गुलियार खान मेरा मोटर कार किधर है? ड्राइवर किधर मर गया? चलो बिस्तर कुत्ते का कमीशन लेगा। ये तुम अपने हमारे रकम का ख्याल है। बहुत अच्छा आवाजदार मकान। ओ साहिबा ये लो किराया छोटा नोट। अच्छी तरह गिन जाओ। ओ संभाल संभाल। साहिबा ये लो पगड़ी है। हम काल को दिल्ली से लाया साहिबा। इसका एक एक गज पर कुर्बान। ये पगड़ी नहीं है। ये पगड़ी है। किस तरह पगड़ी नहीं हो जाएगा? हम मैं कहता हूँ ये पगड़ी नहीं है। वो पगड़ी है। पगड़ी क्या कर रहा हूँ? ये क्या है रे? देखो रे। ये क्या है? तेरे को पूछता है जूता है? ओ ठीक है दिमाग कर। बेराज है
जूता को जूता बोल दिया हो, पगड़ी को पगड़ी, इस तरह नहीं बोल देगा। बोलो बोलो, ये सर पर बांधने की चीज, इसका इज्जत करो, अपना औलाद का वास्ते रखो। ये पगड़ी हमको नहीं चाहिए, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर। किस तरह बाहर निकल जाएगा, एक दफा अंदर आकर बाहर निकल जाएगा तो पठान कौन कह जाएगा? गुलियार खान, बाहर निकलेगा तो पठान नहीं है, समझूंगा। साहब और कह, किस तरह बाहर निकलेगा, हम इसको अभी सबक देगा, पकड़ो इसको, आराम से बैठ जाए। चले मखलूक, पब्लिक, इंसान इधर आओ, शिरकत करो, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ बिरादर। वो बिरादरान, इस गैर इंसान को मलामत करो, वो देखो ये पगड़ी को पगड़ी नहीं बोलता है, वो देख जाओ कि पगड़ी है या नहीं है, जरा फैसला कर जाओ। बराबर पगड़ी है खान, ये पठान आया इसका गुरु, कमरा खाली है खान, चिपक जाओ। वो कुर्बान कुर्बान, वो साहिबा, हम तुम्हारा मशवरे का इज्जत किया, वो बिरादरान जी हमारा भाई हो गया, हम अपना भाई का बात किस तरह नहीं मान जाएगा? गुलियार खान मान जाओ रे, इतना पब्लिक को नाराज मत करो। अच्छा मान गया मान गया, ओए जाओ बाहर हो जा कमरे से, अभी अगले महीने में आने जाओ। आजाद, आसमान पे उड़ने वाले पंछियों की तरह आजाद, आज ऐसा मालूम हो रहा है कि ये सारा घर ही मेरा। तुम आजाद नहीं हो, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम कहती हो, तुम अपने ही जज्बात के गुलाम हो। नहीं, मैं मोहब्बत जरूर करता हूँ मगर गुलाम नहीं हूँ। दो चार दिन में सेठ जी आ जाएंगे, उनके आते ही ये दो घड़ी की मौज खत्म हो जाएगी, फिर वही जेल की कोठरी और ये इश्क और मोहब्बत की नुमाइश धरी की धरी रह जाएगी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, सब कुछ हो सकता है क्योंकि तुमने दोस्ती से गद्दारी की, तुम फ्रांसिस और गुलजार खान जैसे प्यारे दोस्तों को भुला बैठे हो। हाँ, मुझसे ये पाप जरूर हुआ है। तुम्हें खबर भी है कि वो बेचारे किस हाल में है? नहीं। तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको ढूंढो, मौका अच्छा है, माला घर में नहीं। हाँ, माला घर में नहीं है। और कुंदन बावर्ची? वो भी नहीं है। तो निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ। ये ठीक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, तो फिर देखते क्या हो, भागो, मैं कहता हूँ भागो, 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 भागो। भाग रहे थे आप? जी नहीं। भागिए भागिए, जाइए यहाँ से। अब सुनने के लिए क्या रह गया है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ये भी अपने साथ लेते जाइए, ये भी। माला, मैं किसी की माला वाला नहीं। मेरी बात तो सुनो, मैं तो यूं ही जरा हवा खाने के लिए जा रहा था, कई दिनों से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। रोकता कौन है, जाइए बाहर की दुनिया देखिए और ताजा हवा खाइए, यहाँ आपको क्या रखा है? माला, मेरा यहाँ सब कुछ है। मुझे बेवकूफ ना बनाइए, जाइए प्रकाश बाबू, इस दरवाजे के बाहर आपकी सुनहरी दुनिया है, मोटरे हैं, आपके बाप की दौलत है, और इस तरफ मच्छरों और खटमलों से भरा हुआ कैदखाना, दोनों दरवाजे खुले हैं आपके, जहाँ जी चाहे शौक से चले जाइए। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीर चलाए उनका हिसाब कर दो। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीर चलाए उनका हिसाब कर दो। जाओ जी माफ किया, हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा हिसाब किया। जाओ जी माफ किया, हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा हिसाब किया। अच्छा जी माफ कर दो। तेरी नजर
तो दिल में करके तूफान गई, तेरी नजर तो दिल में करके तूफान गई, तेरी आगाही खैरी अपनी तो जान गई, तेरी आगाही खैरी अपनी तो जान गई। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीत लाए उनका हिसाब कर दो। जाओ जी माफ किया हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा ही साफ किया। अच्छा जी माफ कर दो। चोरी से आए दिल में तुमने कसूर किया, चोरी से आए दिल में तुमने कसूर किया, देखा ना भला क्यों जी इतना गुरूर किया, देखा ना भला क्यों जी इतना गुरूर किया। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीर चलाए उनका हिसाब कर दो। जाओ जी माफ किया हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा हिसाब किया। अच्छा जी माफ कर दो। सबसे कहूँगा तूने दिल बेकरार किया, सबसे कहूँगा तूने दिल बेकरार किया, मेरा ही बन के दिल पर मुझ पे ही वार किया, मेरा ही बन के दिल पर मुझ पे ही वार किया। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीत लाए उनका हिसाब कर दो। जाओ जी माफ किया हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा ही साफ किया। अच्छा जी माफ कर दो। अच्छा जी माफ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, दिल पर जो तीर चलाए उनका हिसाब कर दो। जाओ जी माफ किया हमने इंसाफ किया, इस दिल को दिल में रख के झगड़ा हिसाब किया। अच्छा जी माफ कर दो। तो मेरी बात तो सुनो मेरी, हम अपना पोजीशन साफ करने के वास्ते आया डार्लिंग। दूसरा टाइम डार्लिंग बोला तो ऑफिस बाहर निकालेगा। मगर हम तुम्हारे वास्ते फर्स्ट क्लास फ्लैट लिया है, तुम अपना आंखी से देखने को सकता है। हम सब कुछ अपना आंखी से देखा, अब कुछ नहीं देखने को मांगता। मैंने ये तुम्हारा अंगूठी कौन दिया? विलियम। हम विलियम से शादी मनाएगा। ओ, विलियम? ओ नो, अगर तुम ऐसा करेगा तो हम सचमुच दरिया में डूब मरेगा। दरिया के पास टैक्सी में जाओ, जल्दी पहुँचेगा। मगर टैक्सी के वास्ते हेलो विलियम। विलियम अंगूठी पसंद आई? आई लव इट। 5,000 की है, पूरे 5,000 रुपए की। विलियम इट इज ब्यूटीफुल। 5,000? तुम ऐसा जुलम मत करो मेरी डार्लिंग। कौन हो तुम? हम है फ्रांसिस कोटिनो अल्बर्टो डी कोस्टा रोड्रे। ओ तो तुम हो फ्रांसिस? हाँ हम है फ्रांसिस, हम तेरा कजन तोड़ देगा। मेरी हम इसका गर्दन तोड़ देगा। प्रकाश बाबू, शहर से दूर इस पुराने मंदिर में मैं आपको इसलिए ले आई हूँ कि भगवान के सामने मुझे आपसे वादा लेना है। कैसा वादा? वो वादा कीजिए
आइंदा आप मेरे घर से कभी नहीं भागेंगे। वादा ही नहीं बल्कि कसम खाता हूँ कि तमाम उम्र इन जुल्फों का असीर रहूंगा और भगवान के सामने अपना तन मन अपना सब कुछ आपके हुजूर में नजर करता हूँ। मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? ताली एक हाथ से नहीं बचती माना। आप नहीं जानते प्रकाश बाबू, मैंने अपना नजराना तो उसी दिन पेश कर दिया था जिस दिन आप दवाई बेचने आए थे, और उसी दिन से सोच रही हूँ कि अब क्या होगा। कैसा नजराना और कैसी सोच बताऊं? हाँ? दिल दे डाला कुछ भी कह दे कोई हमने तो प्यार किया क्या दिल दे डाला दे डाला नजराना दिल दे डाला नजराना सैया अब होगा क्या जाने मेरी बला दे डाला शादी का अंगूठी दे दिए। ऐसे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तुमको हम शादी का अंगूठी दे जाएगा। मुश्किल मत करो गुलियार कांड, विलियम ने मेरे के सामने मेरे को ऑफिस से धक्का मार के कचरे का मफूस बाहर फेंक दिया। मारा कि तुमने उसको क्यों नहीं मारा? मैं मारने वाला कर पर हाथों पैसे डरता हूँ तेरे को मार लू मैं। गुलियार कांड ये इस मदद के वास्ते असली टाइम मेरे विलियम का शादी मेरे के साथ में नहीं होने को मांगता है।
कुछ तरकीब करो गुलियार खान, विलियम ये बिल्डिंग का अंदर रहता है रे। ऐसा? और फिर तुम परवाह मत कर जाओ, हम दोस्ती के वास्ते अपना जान कुर्बान कर जाएगा। देखो हम वादा किया कि हम तुम्हारा तीरी को इधर लाएगा और फिर तुम्हारा कौम का मौलवी को भाई गलत इधर लाएगा, तुम्हारा शादी कर जाएगा। देखो हम तुम्हारे वास्ते चाय का बंदोबस्त, यह तुम्हारा दिमाग ताजा हो जाएगा। जल्दी लाओ गुलियार खान, हम तेरा चटाई गोल करते जब तक। वो बाहर वाला दो कप चाय लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। अच्छा वो फरहान, तुम्हारा इश्क कामयाब हो गया, वही तुम्हारा तेरी एक औरत और एक इंसान के साथ तुम्हारा मुलाकात के वास्ते आया। आओ आओ इस्तकबाल कर जाओ। खुश आमदेद, इस्तकबाल इस्तकबाल। मेरी डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। कम ऑन, डार्लिंग। इस तरह वो इंसान तुम्हारा तेरी के साथ बगलगीर हो गया और किस तरह तुम देख गया बेशरम? हम देख गया तो बेशरम हो गया, तुम बड़ा शर्म वाला था, उधर खड़े खड़े क्या कर लिया? जाओ जाओ, बड़ा बड़ा बात करता है। वो बहरान, हम तुमसे वादा किया कि तुम्हारा तेरी को इधर लाएगा, परवरदिगार का कसम हम अपना वादा पर कुर्बान हो जाएगा। चेहरो देख जाओ। अंदर कोई मरने को नहीं मांगता है। इसका हिफाजत करो, हम अभी तुम्हारा कौम का मौलवी को लेकर इधर आए, हम तुम्हारा शादी कर जाएगा। यूं, यूं, मेरी भाई गुम हो जाओ, क्या तमाशा हो गया? हमारा गुना आगे चलो, हम क्या किया? पर हमका मिस्टेक है, हम तो कुछ नहीं किया है। ओए पुलिस साहब, ख्याल करो ये कैसा इंसाफ, कोई दोस्त का जिम्मेदार ने हमको पकड़ गया। ओए बरान, तुम अपना अल्लाह से दुआ मांग जाओ कि जल्दी इधर से निकाल दे। गुलजार खान, निकलने को सकता है रे, प्रकाश अपने को मदद करने को सकता है, पर उसको मालूम कैसा होगा अपन अंदर आए करके। मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया के तुझको लाखों हसीनों में इंतखाब किया। झूठे जमाने भर के जादू के जीते हैं मर मर के ताने रहते तो ना हमें गोरी टुकड़े जिगर करके। झूठे जमाने भर के नहीं प्यार की नजर के लिए
बस एक नजर तेरी काफी है उम्र भर के लिए। झूठे जमाने भर थे जादू के तार गए मोटे नीचे नजर करके जीते हैं मर मर के हाय ताने ऐसे तो न हमें गोरी टुकड़े जिगर करके। झूठे जमाने भर के जब से तूने मेरे दिल का चमन आबाद किया जब चली ठंडी हवा मैंने तुझे याद किया। हम तो कहते मगर है जान जहां लोग कहते हैं कि तूने हमें बर्बाद किया। झूठे जमाने भर के जादू के तार गए ते हैं मर मर के तने ऐसे तो न हमें गोरी टुकड़े जिगर करके। झूठे जमाने भर के न सही धड़कते दिल को संभालो नजर उठाओ जरा। झूठे जमाने भर के जादू के तार गए मोटे नीची नजरे करके। जीते हैं मर मर के हाय ताने ऐसे तो न हमें गोरी टुकड़े जिगर करके। झूठे जमाने भर के टुकड़े जिगर करके। दलील कमीने अभी करता हूँ तेरे जिगर के टुकड़े। पिताजी आप कब आए? अभी अभी आया हूँ और ठीक वक्त पे आया। नमस्ते के बच्चे, पहले मेरे सर का सफाया किया अब मेरे घर की सफाई करना चाहते हो? राम सिंह जी साहब इसे बंद कर दो कोयले की कोठरी में ले जाओ इसे। तू कहाँ जाती है साथ बनकर भजन गाया करूं और तू उस गुंडे के साथ प्रेम किए? ऐसा नहीं पिताजी। खामोश पिताजी की बच्ची, तूने इतना नहीं सोचा केस कमी ने तेरे बाप के साथ क्या धर्म किया। मेरा खाना पीना उठना बैठना दोस्तों से मिलना जुलना सब हराम कर दिया। खैर अब देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ, करता हूँ इसे पुलिस के हवाले। और तुम नमक हरामो मेरे टुकड़ों पे पलकर मेरी इज्जत का नाटक देखते रहे और मुझे आज तक अंधेरे में रखा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। मुनीब जी देवदूत आज इसी वक्त अभी दिली राय साहब दीनानाथ को तार दे दो कि वो अपने बेटे अशोक को लेकर फौरन यहाँ पहुँचाए। बहुत अच्छा। नहीं नहीं पिताजी मेरी बात तो सुनिए, कुछ सोचिए। अंदर चल जाओ, अंदर चल जाओ वरना तुम्हें भी वही खाते में बंद कर दूंगा। टुकड़े जिगर
करके। मिसेस जोन्स, कुछ सुना? What, Mr. Jones? ये विलियम से एकदम 420 आदमी है। No. इसने अपने सेठ के ऑफिस में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला किया। No. मुझे कम से कम आज 10 आदमियों ने बताया है कि ये पक्का बदमाश और बहुत खतरनाक आदमी है। No. पापा, ये 10 आदमी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो अपने होने वाले दामाद पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। क्यों मम्मी? No. डैडी, इस आदमी का घर में आना बिल्कुल बंद। इसने हम सबको चीट किया, धोखा दिया। ये मैरिज का अंगूठी, ये बोलता था 5,000 रुपया। क्रॉफर्ड मार्केट में इसका कीमत 4 रुपए 8 आना। Shut up. You, ये लो अपना अंगूठी एंड गेट आउट। ऑल राइट, मेरी ये इंसल्ट कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नाम भी विलियम्स है, विलियम्स। आज देखा है एक का एक विलियम तेरे जैसा। यू गेट आउट नाउ। कम ऑन मेरे। क्यों, क्या कहा था मैंने? ठीक है। अरे अरे विलियम्स। जी हुजूर। विलियम कहाँ? वो आज भी नहीं आए। कहिए क्या हुक्म है? राय साहब दीनानाथ, कल फ्रंटियर मेल में दिल्ली से आ रहे हैं, बिटिया की शादी का फैसला करना है। मुनीब जी, ये बोझ भी सर से उतार देना चाहता हूँ। पर ये विलियम आजकल रहता कहाँ है? है विलियम से मेरी की शादी? हाँ सेठ साहब, और बड़े ठाट से हो रही है। ठाट से? जरा खाता तो देखिए। हाँ। 10,000 रुपए का गबन है। 10,000 रुपए का? क्या कहा? 10,000 रुपए का गबन था? 3, 3, 6, 4, 10,000 रुपए। अभी दूसरे खाते देखे जा रहे हैं। जल्दी देखो, जल्दी देखो और मुझे बताओ, मुझे बताओ। आओ भाई दीनानाथ, कहो कैसे हो? अच्छा, बैठो बैठो बैठो। भाई तुम कैसे? ठीक हूँ, मगर तुम अकेले क्यों आए? मैंने तो तार दिया था कि लड़के को साथ ले आओ। अरे भाई, तुमने कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया, खट से तार दे दिया। मगर अशोक है कहाँ? अशोक अपनी माँ के साथ काशी यात्रा को गया था। जानते हो, बिल्कुल साधु टाइप है मेरा लड़का। मगर इस तार का मतलब? इतने बुद्धू न बनो दीनू कि तार का मतलब ही नहीं समझे। खैर, अभी समझाता हूँ। माला, ओ माला। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे भाई बिल्लू, भगवान की दया से माला तो काफी सियानी हो गई है। हाँ, हो गई है। ये है तार का मतलब। ओ समझा। दीनानाथ, जिंदगी का क्या भरोसा? आओ दोनों मिलकर ये बोझ भी सर से उतार दें। क्यों नहीं। मगर बिल्लू, यहाँ की हर चीज बदली बदली सी क्यों मालूम होती है? यहाँ तक कि तुम भी बदले बदले से मालूम होते हो। ये तुमने कंटोक क्यों बांध रखा? सर को क्या हो गया है तुम्हारे? मेरी शामत एक 420 को घेर कर यहाँ ले आई। उसके तेल की आती शीशी ने मेरे बालों और दिमाग दोनों का सफाया कर दिया। मुझे कहीं सर दिखाने के लायक न रखा। कौन था वो बदमाश? था नहीं, है। यही है, यही है। मेरे जीवन का सत्यानाश करने वाला, मेरे सुख चैन का डाकू यही है दीनानाथ, यही है। कहाँ है वो बदमाश? देखो तो कौन है वो उल्लू का पट्टा? आओ मेरे साथ, चल अभी बताता हूँ। चलो दरवाजा बंद कर रखा है कम वक्त। मैं कहता हूँ दीनानाथ, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। कहाँ है? कहाँ है?
तो काटता है, काटता है। भाई बिनमंगल संभाल के संभाल के, ये तो बहुत ही खतरनाक डाकू मालूम होता है। ठीक, अभी ठीक करता हूँ। बदमाश कमीने, तू ऐसे नहीं समझेगा, तू ऐसे नहीं समझेगा। बेशर्म कहीं के, तुझे शर्म नहीं आती? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही कुछ सिखाया है? क्यों बेटा, इस झगड़े में तुम कुछ बिल्कुल अलग थलग सी मालूम होती हो, क्या बात है? एक के मुकाबले में आप चार तो पहले ही हैं चाचा जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओ समझा, अभी अभी पुलिस वाले आते हैं और ऐसे बदमाशों के साथ क्या सलूक करना चाहिए वो अच्छी तरह जानते हैं। अरे ये तुमने क्या किया बिलो मगर? क्यों? अरे इस तरह किसी को जबरदस्ती घर में बंद कर देना कानून के कतई खिलाफ है। कानून के खिलाफ है? और नहीं तो क्या, पुलिस इसे निकालने से पहले तुमसे दो दो हाथ करेगी। हाँ, और याद रखो, लड़के को अगर कुछ हो गया तो इसके माँ बाप अदालत में तुम्हारा नाक में दम कर देंगे। दिनू, फिर मुझे क्या करना चाहिए? अरे करना क्या चाहिए, इसे निकालो बाहर, जाने दो यहाँ से। जाने तू? हाँ, मेरा इंतकाम। तो फिर ले लो इंतकाम, पुलिस के आते ही ये बाहर होगा और तुम अंदर। दीदू ऐसा न कहो, ऐसा न कहो, वो बाहर मैं अंदर। नहीं नहीं, डॉक्टर डॉक्टर। ए भाई, ए डॉक्टर, ए जनाब, बाहर तशरीफ ले आइए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हुजूर से कुछ नहीं कहूंगा। क्यों बेटी, अब तो एक के मुकाबले में चार नहीं? डॉक्टर बाहर आओ, डॉक्टर 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 डॉक्टर, तुम्हें मेरी कसम बाहर आओ डॉक्टर। समझ में नहीं आता कि ये आदमी बाहर क्यों नहीं निकलता। डॉक्टर, ओ डॉक्टर डॉक्टर, नहीं सुनता नहीं सुनता। राम सिंह, राम सिंह, नल खोल दे, नल खोल दे। देखो अब कैसे नहीं निकलता। मगर निकले तू, क्या कर रहे हो? अब बस भी करो, कहीं खास खास कर मर ही जा बेचारा। क्या करूं? देखो ना, चूहे तक बाहर आ गए मगर इस पट्टे पर कोई असर न हुआ। अब पुलिस आने वाली है, मैं क्या करूं? माना माना बेटी, जरा तुम ही समझाओ इसे, मेरा ख्याल है वो तुम्हारी बात मान जाएगा। मैं सच कहता हूँ माला, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, उसके सब कसूर माफ, बल्कि चंदे की बाकी रकम देने का भी वादा करता हूँ। जाओ बेटी जाओ। प्रकाश बाबू, प्रकाश बाबू। बिल्लू, हाँ दरवाजा खोलो प्रकाश बाबू। पिताजी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि राय साहब भी सब कुछ समझ गए हैं। प्रकाश बाबू दरवाजा खोलो, शायद राय साहब की मदद से बिगड़ी हुई बात बन जाए। जल्दी दरवाजा खोलो प्रकाश बाबू। माला, राय साहब मेरे पिताजी हैं। हाँ राम, हाँ। तुम्हारे पिताजी? और तुम? मैं अशोक कुमार। अरे पुलिस, हाँ पुलिस। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, आइए, अभी बताता हूँ। यही होगा, पकड़ लेते। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये डाकू नहीं, इस बहादुर नौजवान ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया है। इस रुस्तम हिंद ने डाकू को मार मार कर भगा दिया। आप लोगों के फौरन पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो हमारा रात दिन का काम है। शाबाश नौजवान, शाबाश। अच्छा अच्छा, मैं क्या हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। जलील कमीने, उठ। मुमकिन है फिर से वो डाकू फिर आ जाए,
अगर जरूरत हो तो एक दो कांस्टेबल यहाँ छोड़ दें। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बहादुर के होते हुए हम डाकू की काम बचा जो आ जाए। काम पे काम करके बैठा जैसे बाप के घर पे। मेरी बात सुनो बिल्लू। हाँ, कहो कहो। छिपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं माला बेटी और इस नौजवान का सारा वाकया सुन चुका। ये क्या कहते हो दीनानाथ, वो भी इस लुफंगे के सामने? अरे इस डाकू ने तो मेरे घर में झाड़ू फेरने की बहुत बड़ी स्कीम बना रखी थी। भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे तुम्हारे वाला जमाना तो है नहीं, और फिर ये लड़का किसी शरीफ घराने से ताल्लुक रखता हुआ मालूम होता है। फर्ज कर लो कि ये मेरा ही बेटा है, अगर माला बिटिया की शादी इसी से कर डालो तो। क्या कहा? इसके साथ माला की शादी कर दूं? मेरी नाक काटने की बात कर रहे हो दीनानाथ, जरा छक्कर तो दे के सिंगारे के बच्चे की। पिताजी सुनिए तो। खबर खबरदार तो मेरे मामले में दखल दिया तो। इसके लिए यही का कम है कि इसे छोड़ दिया जाए? दीनानाथ ये तो कोई घटिया नस्ल का आवारा आदमी है। चल बे नबूर, उठ भाग जा हाथ से। राम सिंह चल जल्दी कुर्सी साफ कर ले। पिताजी भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। चल तू भी सुना, चाचा ने तो सुना ही, तू भी सुना। वाह वाह बेटा, अच्छा खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। क्या कहना चाहती हो? पिताजी ये क्या गजब कर रहे हैं आप? क्यों? राय साहब इनके पिताजी हैं। हैं? इनके पिताजी? पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा। अरे कहाँ जाते हो बेटा, थक गए होगे? नहा धो के कुछ आराम करो। अरे कुंदन साहब के नहाने धोने का बंदोबस्त करो। कौन सी कुर्सी साफ करूँ साहब? अबे जा कुर्सी का बच्चे। वाह बेटा, खूब रहे अपने घर में चोर बनकर, ठीक बाप की तरह। बेटा तेरा बाप भी शादी से पहले ठीक इसी तरह ससुराल भाग गए थे, क्यों दीनू? अरे बेटा ये तो बताओ कि तुमने तेल का नुस्खा कहाँ से लिया था? पिताजी आपकी डायरी से। मेरी डायरी से? मगर वो तो बहुत बढ़िया नुस्खा था। जी था तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे एक दोस्त गुलियार खान ने अपनी काबिलियत दिखा के सब गड़बड़ कर दी। देखिए कहीं यही तो नहीं है आपके दोस्त गुलियार खान? गुलियार खान फ्रांसिस रिश्ते भाई जी बांद्रा पुलिस स्टेशन। चाचा जी मेरे दोस्त था वाला आदमी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। वो कुर्बान कुर्बान, हम तुम्हारा दोस्ती पर कुर्बान। वो पराज हम तुमको बोले? अरे हम तेरे को पहले बोला, प्रकाश को मालूम पड़ेगा तो जरूर अपनी हेल्प करने का आएंगे। अरे हम तुम्हारा दोस्ती पर कुर्बान हो जाएगा। अरे मेरे दोस्तों, चाचा जी ये है मेरे चिकी दोस्त, ये है फ्रांसिस, ये बलियार खान। तो ये है डॉक्टर, ये हकीम। सलाम सेठ सलाम। तो सेठ थोड़ा गलती हमसे हो गया, थोड़ा पराज कर गया होगा, और थोड़ा गलती तुम भी कर गए होंगे। कर गए होंगे सेठ, खाने पीने के अंदर कुछ मिस्टेक नहीं, हमने खाना पीना सब तोड़ दिया। अच्छा तो तुम हो मेहरबान हो? नो सिस्टर नो चप्पल सिस्टर, मेरा मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, आई एम वेरी सॉरी। सबका मिलाप हो गया, हमारा मिलाप तुम्हारा हाथ का अंदर है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको मैनेजर है ना, क्या उसका नाम है? वो विलियम का बच्चा मेरा मेरी के साथ भी शादी करने को मांगता है। उसका शादी तो परसों है। परसों? पापा की शादी अगर हो गया तो हम अपना जान खलास कर लेगा, हम मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, मरना हो तो बाहर मरो, यहाँ से मतलब तुम जाओ 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 मेरी के घर में जाओ, हम आता है, जाओ जाओ, हम दोनों आते हैं। बारात लेकर? नहीं बारात नहीं, अकेले जाओ, बारात लेकर हम आएगा। ओके वेरी गुड। कुर्बान कुर्बान, हम दोनों देख लोग पर कुर्बान है। अरे तेरो सिस्टर, शादी में तुम भी आना। हाँ आएगा आएगा, सब आएगा, उद्धव भी आएगा। आज कल के लड़के बेटी 100 रुपए का नहीं, बल्कि विलियम ने 60,000 रुपए का और भी खत्म किया। क्या कहा? देखिए 60,000 रुपए का। विलियम तुम्हारे शेर को चोरी का पता लग गया, वो पुलिस को खबर करने गए हैं। अरे बोलो बोलो, अरे
क्या हो गया पापा? मेरे किधर है? फ्रांसिस, वो है ना विलियम, वो विलियम अपने सात आठ दस लोगों को लाया, हमको इधर पैदा, हमारी मेरी को उठा के ले गया, वो रोग वो बदमाश ले गया। सबर कर जाओ, वो आठ दस क्या लाया? आदमी, वो आठ दस आदमी लाया तो हम बीस आदमी लाएगा। पहले बोल जाओ वो किधर ले गया। हमको पता है खान साहब, हमारे साथ चलो। चलो चाचा जी और पिताजी को भी साथ लेते हैं। चलो 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 पापा, ये लो टोपी, लो लो टोपी लो। चलो जाओ। अरे गुलियर खान, ये तुम क्या करता है? वो विलियम, गोली चलेगा तो हमारा आदमी मर जाएगा, हमारा आदमी तुम पर हमला करेगा तो तुम्हारा आदमी मर जाएगा, वो बेगुनाह इंसान का खून हो जाएगा, हम पुराना जमाना का बादशाह का माफिक जंग कर जाएगा। वो देखो, उनका पोत कभी नहीं लट गया, मैदान में दोनों का पहलवान आ गया, जिसका पहलवान जीत गया तो उसका बादशाह जीत गया। इधर हम आते हैं मैदान में, उधर तुम आ जाओ, जो तुम हमको गिरा गया जो मेरी तुम्हारा हो गया, हम तुमको गिरा गया जो मेरी हमारा भरत का हो गया। मुझे मंजूर है, मगर खान मेरा तुम्हें कोई वास्ता नहीं, मेरा झगड़ा है तो फ्रांसिस के साथ, फ्रांसिस को मैदान में भेजो। हमको मंजूर है, हम तेरे को पहले ही बोला था हम तेरा मुंडी तोड़ेगा कुरके, और हमको मौका दिया है, अभी नहीं तोड़ेगा तेरे को, आ जाओ मैदान का अंदर। फ्रांसिस, फ्रांसिस, ये क्या बेवकूफी कर रहा है? क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? परवाह नहीं है रे, हम जिंदा रहेगा सर, मेरी हमारा हो जाएगा, हम मर गया तो आगरे का ताजमहल का माफक इधर ही फ्रांसिस महल बना देना। गुलियर खान, शाबाश नरपंचा, लड़ जाओ, वो गुनाहगार हो गया, वो बुजदिल हो गया, तुम सचा हो गया, बबर शेर हो गया, लड़ जाओ शेर का माफक, हम परवरदिगार से तुम्हारा दुआ खा जाएगा। समझाओ इसे, खान साहब इसे समझाओ। ओए उसे बुजदिल मत कर जाओ, लड़ने दो। Get up! 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 Get
सबकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। अब तुम भी उतार डालो ना ये कंटोप सेंटोप। नहीं दिन, मेरी आशाओं का क्या होगा, मेरी तमन्नाओं का क्या होगा, मेरी चिंता का क्या होगा? अजी छोड़ो भी इन आशाओं तमन्नाओं और चिंताओं को, एक बुढ़ावती में जरा अपनी तरफ तो देखो, उतार डालो ये कंटोप। नहीं चाहिए। नहीं दिनों, अजी उतारो वो बॉयल आ गया, वो हमारा तेल का असर हो गया है। मेरी आशाएं पूरी हो गई, मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई, चिंता चिंता। दिनों क्या बोलो? दिनों मेरी जायदाद गुलियार खान फ्रांसिस और प्रकाश इन तीनों दोस्तों में बांट देना। मैं चला। चिंता चिंता मैं आया चिंता चिंता मनी। हमारा दिल का असर हुआ, चीज पे बाल आया। ये मेरे दोस्त डॉक्टर प्रकाश और ये उनकी होने वाली समझ जाओ भी जैसे तुम हमारे मेरी बहन पलटी पलटी किस्मत पलटी पलट पलट के पल पल पलटी पलटी